नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम मोनिका ओ माय डार्लिंग, और ये मूवी आपको किस रोटी प्लेटफॉर्म पर और किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मोनिका ओ माय डार्लिंग वसंत वाला द्वारा निर्देशित 2022 की हिंदी भाषा की नवोन्नयर क्राइम कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में राजकुमार राव, कुमार हिरोशी और राधिका आप्टे है। यह फिल्म 1989 की जापानी उपन्यास नोरितानो नो शिंजी इंग्लैंड हाई ऑफ वुड्स के सेकोगी हिगासिनी द्वारा अनुकूलित की गई थी। फिल्म का शीर्षक 1971 की फिल्म कारवा के गीत पिया तू अब तो आजा से लिया गया है। ये 11 नवंबर 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। कोंडा कारखाने में एक रात की होली के दौरान देव प्रकाश ने अपने दोस्त गौरव को सूचित किया कि उसने सालू से शादी का प्रस्ताव रखा है और उसने स्वीकार कर लिया है। उसके तुरंत बाद कंपनी का रोबोट देव पर हमला करता है और उसे मार डालता है। हमला एक दुर्घटना के रूप में बंद कर दिया गया है, और जबकि सुरक्षा अधिकारी परिधि बेग को कंपनी से निकाल दिया गया है। 6 महीने बाद यूनिकॉर्न की 50वीं वर्षगांठ पर जयंत अर्खेड़ेकर को कंपनी के निर्देशक मंडल में पदोन्नत किया गया। उन्होंने सीआईओ सत्यनारायण अधिकारी की बेटी किनकी अधिकारी से भी सगाई की है। समारोह के बाद उनकी कंपनी की सचिव मोनिका मुचाड़ो के साथ संबंध होगा दिखाया गया है। मोनिका जयंत को बताता है कि वो अपने बच्चों के गर्भवती है और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में जयंतों की उसकी और मोनिका की तस्वीरों के साथ एक पत्र मिलता है, जिससे उसे एक होटल में जाने के लिए कहा जाता है। होटल में वो न्यूयॉर्क के सीईओ अरविंद मणिवन्नम और सत्यनारायण के बेटे और प्रबंध निदेशक श्रीकांत अधिकारी से मिलते हैं। दोनों का ये भी दावा है कि मोनिका ने उनकी गर्भावस्था के साथ उन्हें ब्लैकमेल किया था। वे तीनों मोनिका की हत्या करने की योजना बनाई है, जिसमें श्रीकांत उसकी हत्या कर देता है। अजयंत शरीर को ले जाता है और अरविंद शरीर का निपटन करता है। अरविंद और जयंत की अंतिम समय ही में योजना से बाहर होने की स्थिति में श्रीकांत ने उनसे एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाया। जब तक अरविंद और जयंत शरीर का जंगल में फंसने की कोशिश करते हुए एक तुरंत का सामना नहीं करते हैं, तब तक ये योजना पटरी पर नहीं रहती है और उन्हें भागना पड़ता है। अगले दिन अरविंद और जयंत ये देखकर चौंक जाते हैं कि मोनिका अभी भी जीवित है। वे वन्य जीव फोटोग्राफी ने जंगल में पड़े शरीर की खोज की, जो निशिकांत का निकला। पुलिस ये के एसीपी नायडू यूनिकॉर्न फॉलोअर्स ने मौत की जांच शुरू करते हैं, जबकि अरविंद और जयंत दोनों को शक है कि मोनिका ही है जिसने निशिकांत की हत्या की। अरविंद की बाद अपने घर पर एक जहरीले सांप मिला, जिससे उसकी मौत हो गई। जयंत की एक समान पार्सल प्राप्त होता है, लेकिन ये वो भागने में सफल हो जाता है और अपने अनुबंध की एक तस्वीर के साथ एक ट्रैक्टर संदेह प्राप्त करता है। जयंत पाठ के निर्देशों का पालन करता है और अनुबंध को प्रमो प्राप्त करने के लिए क्षण पर जाता है, लेकिन गौरव जयंत दोस्त और होने वाला था साला उसे पीछे से धक्का दे देता है। वो जीवित रहता है और अनुबंध प्राप्त करने का प्रबंध करता है, केवल ये पता लगाने के लिए ये एक फोटोग्राफी है। जयंत मोनिका के घर जाता है, जहाँ वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ के बाद जरूर रुक जाता है। मोनिका उसे बताती है कि उसने निशिकांत या अरविंद को नहीं मारा और लगता है कि कातिल कौन है इसका पता लगा लिया है। इससे पहले कि वो जयंत को बता पाती, वो सांप के जहर से मर जाती है, जिसे उसकी शराब में मिला दिया जाता है। बाद में जयंत को पता चलता है कि देव की मौत की आंतरिक जांच में जयंत की दोषपूर्ण रोबोट तकनीक को दोषी ठहराया गया था, लेकिन सत्यनारायण ने उसे कवर किया है और फरीदी की निकल लिया। जब जयंत माफी मांगने के लिए फरीदी के मिलता है, तो फरीदी और जेर लेकर कहते हैं कि देव दुर्घटना से नहीं मारा गया था, बल्कि रोबोट की नियंत्रण से मैनुअल ओवरराइड द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। देव को मारने वाले रोबोट के मैनुअल एक्सेस लॉक की जांच करने के लिए जयंत और गौरव एक साथ न्यूयॉर्क फैक्ट्री जाते हैं। जयंत को पता चलता है कि गौरव ने कहीं देव की हत्या करी थी, क्योंकि वो जयंत की बहुत सालों से प्यार करता था, और गौरव रोबोट से जयंत पर हमला करता है। लड़ाई के दौरान गौरव ने निशिकांत और अरविंद के मारने की बात कबूल की, लेकिन मोनिका की नहीं। निशिकांत ने गौरव द्वारा देव की हत्या के देख
और गौरव को अपने सेवक के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन जब निशिकांत ने गौरव से मोनिका की हत्या करने के लिए कहा या वो उसे सालू के सामने उजागर करेगा तो उसने निशि की हत्या कर दी और बाद में जयंत को मारने सहित घर की साफ सफाई के लिए निकल पाए। कुछ संघर्ष के बाद जयंत अंत में उसके घड़ी के साथ रोबोट के निर्णायित करने में सक्षम हो जाता है और अंतरात्मा के गौरव को मार डालता है। बाद में नायडू ने एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि मोनिका का हत्यारा उनके जन्म अजन्मे बच्चे का पिता तमन्ना राठा है होना है, जिसने मोनिका की हत्या के अवधारणा वेद के कारण आत्महत्या कर ली है। मोनिका के लिए प्रार्थना समारोह के दौरान नायडू ने जयंत को बताया कि मोनिका के बच्चे का वास्तविक पिता सत्यनारायण था। उसने सत्यनारायण को ब्लैकमेल करना शुरू करने के बाद तमन्ना जहर मोनिका की शराब पी ली और फिर से उसे चुप कराने के लिए नायडू ने तमन्ना की हत्या कर दी। जयंत बाद में मूल अनुबंध को पुनः प्राप्त करने के लिए गौरव के घर जाता है, लेकिन जैसे ही वो कागज को खोजता है और उसे जला देता है, वो उन सांपों से घिर जाता है और जिन्हें गौरव ने चुरा लिया था और स्क्रीन काली हो जाती है, जिससे उसका भाग्य अनजान रह जाता है। डालना राजकुमार राव जयंत जय अरगकर उर्फ जॉनी के रूप में, हमा कुलेसी मोनिका मचाड़ो के रूप में, राधिका आप्टे एसीपी, विजय शांति नायडू के रूप में, निशिकांत अधिकारी के रूप में, सिकंदर दखेर निक्की अधिकारी के रूप में, अखंड रंजन कपूर, भगवती रेमलू, अरविंद भनीपन्नम के रूप में, सत्यनारायण अधिकारी के रूप में, विजय केनकर, गौरव मोड़े के रूप में, सुकांत गोयल, शालू कर्तक के रूप में, जैन मोरिज खान, तमन्ना खराना के रूप में, शिव रिंगानी, शिव चौहान, देव प्रकाश के रूप में, फैजल शहीद, फरीदी बैग के रूप में, राधिका मदान रूपी के रूप में, अतिथि उपस्थिति सूर्य के रूप में, अभिमन्यु दशानी अतिथि उपस्थिति। फिल्म के आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। उन्होंने फिल्म के निर्देशक कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से राजकुमार राव और मोकरेच दृश्यों शोली हास्य पृष्ठभूमि स्कोर और हिंदी सिनेमा से पुरानी अपराध फिल्मों के लिए श्रद्धांजलि की प्रशंसा की। लेकिन कुछ आलोचकों ने फिल्म की आलोचना की अगला हिस्सा इंडिया टुडे की जीनिया तो उपाध्याय ने फिल्म को 5 में से 4 सितारे दिए और लिखा फिल्म के प्रेम सुंदर, ये आपको बस रुकने और उन्हें बार बार देखने पर मजबूर कर दे और पृष्ठभूमि संगीत कथा के प्रभाव को बढ़ाता है, इसीलिए फिल्म के समाप्त होने के काफ़ी समय बाद भी ये आपके दिलों में बना रहेगा। फास्ट वर्ड में एना एम एस बोडीकट ने फिल्म को अभिनय और संगीत की प्रशंसा की, लेकिन अभी समूहवाद के प्रतिनिधित्व की आलोचना करते हुए कहा, यह परेशान करने वाला, हालांकि सोच रखने वाले लोगों ने लापरवाही से इस स्क्रिप्ट में मोनिका मचारो के एक कार्यालय कर्मचारी के रूप में एक कैबरे डांस में रूप में दोहराए हुए लिखा और ये भी उस पुराने रूढ़िवादियों से भारत के ईसाई अल्पसंख्यकों को जो नुकसान हुआ है उसे पहचानने के बिना 1980 के दशक की हिंदी फिल्म के ईसाई महिलाओं के चित्रण के पुनर्स्थापन द इंडियन एक्सप्रेस ने फिल्म को एक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और घोषित किया, आराम से बॉलीवुड ठीक चल रहा है, आप सही जगह पर नहीं देख रहे हैं। एनडीटीवी के सिविल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 4 सितारे दिए और इसे कहा कि एक चौसीदा मौकम कहा है जहाँ चतुराई से गुल्दी एक कीमती सिनेमाई मौतों के बदले में देता है, सक्षम में ये एक ना भूलने वाला चमत्कार है। द वीक्स ने प्रतीक्षा मिश्रा ने 5 में से 3 स्टार दिया, लिखा सक्षम में मोनिका को माय डार्लिंग एक दिलचस्प कहानी है जो एक स्वादिष्ट गुलाटी ब्रह्मांड में एक महान कलाकारों के साथ सेट है, एक सख्त संपादन और एक अधिक कहानी के साथ फिल्म नीचे रखना लगभग असंभव होता है, लेकिन जैसा है ये खड़ा है, ये एक मजेदार घड़ी है। कहानी जब एक युवा आईटी पेशेवर एक अवैध कार्यालय के चक्कर से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो चीज़ें बुरी तरह से गलत हो जाती हैं। क्या वो अपना नाम साफ कर पाएगा और ये इस जानलेवा गंदगी से बेदेगा निकल पाएगा? समीक्षी अपेक्षित एक दिग्गतुवाद योग्य थ्रिलर बनाने की महत्वपूर्ण सामग्री में से एक है। दर्शक हमेशा अनुमान लगाते हैं कि आगे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। निर्देश भाषण वाला मर्द की दर्द नहीं होता है फेक और उनके लेखन योगेश चंद्रकांत के अधिकांश भाग के लिए उस पहलू को सही मानते हैं, लेकिन वे समान रूप से आकर्षक कथानक बनाने की उसके निष्पर्श के चुके जाने हैं। कहानी काफ़ी हद तक एक प्रतिभाशाली रोबोटिक्स विशेषज्ञ जयंतु राजकुमार राव के कार्यों पर केंद्रित है, जिसके अपने संगठन में कार्यरत सीरी की चतुराई से बढ़ाया है। कंपनी की CIO का भरोसा और
अपनी बेटी के प्यार से उन्हें एक अच्छा पद और मोटी खतरनाक दिलाई है, लेकिन उनकी सफलता ने उन्हें दुश्मनों और उम्मीदों की काबर संख्या भी दी है। इन सबके बीच उन ऑफिस की सबसे हॉट लड़की मेनिका हुमा कुरैशी के साथ यौन संबंध बना था, जो अपने कार्यस्थल पर कई पुरुषों के साथ संबंध बनाने के लिए कुख्यात है, लेकिन उसका लालच उस पर हावी हो जाता है और एक शैतानी योजना शुरू कर जाती है जो जल्द ही नियंत्रण से बाहर हो जाती है और लाशों का ढेर लगाना शुरू कर जाता है। गीत पिया तू अब तो आजा से लिया गया है, ये 11 नवंबर 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। कोंडा कारखाने में एक रात की होली के दौरान देव प्रकाश ने अपने दोस्त गौरव को सूचित किया कि उसने सालू से शादी का प्रस्ताव रखा है और उसने स्वीकार कर लिया है। उसके तुरंत बाद कंपनी का रोबोट देव पर हमला करता है और उसे मार डालता है। हमला एक दुर्घटना के रूप में बंद कर दिया गया है और जबकि सुरक्षा अधिकारी परिधि बेग को कंपनी से निकाल दिया गया है। 6 महीने बाद यूनिकॉर्न की 50वीं वर्षगांठ पर जयंत अर्खेडेकर को कंपनी के निदेशक मंडल में पदोन्नत किया गया। उन्होंने सीईओ सत्यनारायण अधिकारी की बेटी किनकी अधिकारी से भी सगाई की है। समारोह के बाद उनकी कंपनी की सुचित मोनिका मुचाड़ो के साथ संबंध होगा दिखाया गया है। मोनिका जयंत को बताता है कि वो अपने बच्चों के गर्भवती है और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में जयंतों की उसकी और मोनिका की तस्वीरों के साथ एक पत्र मिलता जिससे उसे एक होटल में जाने के लिए कहा जाता है। होटल में वो न्यूयॉर्क के सीईओ अरविंद मणिवन्नम और सत्यनारायण के बेटे और प्रबंध निदेशक श्रीकांत अधिकारी से मिलते हैं। दोनों का ये भी दावा है कि मोनिका ने उनकी गर्भावस्था के साथ उन्हें ब्लैकमेल किया था। वे तीनों मोनिका की हत्या करने की योजना बनाई है जिसमें श्रीकांत उसकी हत्या कर देता है, अजयंत शरीर को ले जाता है और अरविंद शरीर का निपटन करता है। अरविंद और जयंत की अंतिम समय ही योजना से बाहर होने की स्थिति में श्रीकांत ने उनसे एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाया। जब तक अरविंद और जयंत शरीर का जंगल में फंसने की कोशिश करते हुए एक तुरंत का सामना नहीं करते हैं तब तक ये योजना पटरी पर नहीं रहती है और उन्हें भागना पड़ता है। अगले दिन अरविंद और जयंत ये देखकर चौंक जाते हैं कि मोनिका अभी भी जीवित है। वे वन्यजीव फोटोग्राफी ने जंगल में पड़े शरीर की खोज की जो निशिकांत का निकला। पुलिस ये के एसीपी नायडू यूनिकॉर्न फॉलोअर्स में मौत की जांच शुरू करते हैं, जबकि अरविंद और जयंत दोनों को शक है कि मोनिका ही है जिसने श्रीकांत की हत्या की। अरविंद की बाद अपने घर पर एक जहरीले सांप मिला जिससे उसकी मौत हो गई। जयंत की एक समान पार्सल प्राप्त होता है, लेकिन ये वो भागने में सफल हो जाता है और अपने अनुबंध की एक तस्वीर के साथ एक ट्रैक्टर संदेह प्राप्त करता है। जयंत पाठ के निर्देशों का पालन करता है और अनुबंध को प्रमो प्राप्त करने के लिए क्षण पर जाता है, लेकिन गौरव जयंत दोस्त और होने वाला धर्मशाला उसे पीछे से धक्का दे देता है। वो जीवित रहता है और अनुबंध प्राप्त करने का प्रबंध करता है केवल ये पता लगाने के लिए कि ये एक फोटोग्राफी है। जयंत मोनिका के घर जाता है जहाँ वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन अंतरात्मा की आवाज के बाद रुक जाता है। मोनिका उसे बताती है कि उसने निशिकांत या अरविंद को नहीं मारा और लगता है कि कातिल कौन है इसका पता लगा लिया है। इससे पहले कि वो जयंत को बता पाती वो सांप के जहर से मर जाती है जिसे उसकी शराब में मिला दिया जाता है। बाद में जयंत को पता चलता है कि देव की मौत की आंतरिक जांच में जयंत की दोषपूर्ण रोबोट तकनीक को दोषी ठहराया गया था, लेकिन सत्यनारायण ने उसे कवर किया है और फरीदी की निकल लिया। जब जयंत माफी मांगने के लिए फरीदी के मिलता है तो फरीदी और जेर लेकर कहते हैं कि देव दुर्घटना से नहीं मारा गया था बल्कि रोबोट की नियंत्रण से मैनुअल ओवरराइड द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। देव को मारने वाले रोबोट के मैनुअल एक्सेस लॉग की जांच करने के लिए जयंत और गौरव एक साथ न्यूयॉर्क फैक्ट्री जाते हैं। जयंत को पता चलता है कि गौरव ने कहीं देव की हत्या करी थी क्योंकि वो जयंत की बहुत सालों से प्यार करता था और गौरव रोबोट से जयंत पर हमला करता है। लड़ाई के दौरान गौरव ने निशिकांत और अरविंद के मारने की बात कबूल की लेकिन मोनिका की नहीं। निशिकांत ने गौरव द्वारा देव की हत्या के देख और गौरव को अपने सेवक के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन जब निशिकांत ने गौरव से मोनिका की हत्या करने के लिए कहा या वो उसे सालू के सामने उजागर करेगा तो उसने निशि की हत्या कर दी और बाद में जयंत को मारने
सहित घर की साफ सफाई के लिए निकल पाए। कुछ संघर्ष के बाद जयंत अंत में उसके घड़ी के साथ रोबोट के निर्णायित करने में सक्षम हो जाता है और अंतरात्मा के गौरव को मार डालता है। बाद में नायडू ने एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि मोनिका का हत्यारा उनके जन्म अजन्मे बच्चे का पिता तमन्ना राठा है आना है, जिसने मोनिका की हत्या के अवधारणा वेद के कारण आत्महत्या कर ली है। मोनिका के लिए प्रार्थना समारोह के दौरान नायडू ने जयंत को बताया कि मोनिका के बच्चे का वास्तविक पिता सत्यनारायण था। उसने सत्यनारायण को ब्लैकमेल करना शुरू करके बाद तमन्ना जहर मोनिका की शराब पी ली और फिर से उसे चुप कराने के लिए नायडू ने तमन्ना की हत्या कर दी। जयंत बाद में मूल अनुबंध को पुनः प्राप्त करने के लिए गौरव के घर जाता है, लेकिन जैसे ही वो कागज को खोजता है और उसे जला देता है, वो उन सांपों से घिर जाता है और जिन्हें गौरव ने चुरा लिया था, और स्क्रीन काली हो जाती है, जिससे उसका भाग्य अनजान रह जाता है। डाला राजकुमार राज जयंत जय अर्गकर उर्फ जॉनी के रूप में, हमा कुरेशी मोनिका उचाड़ो के रूप में, राधिका आप्ते एसीपी विजय शांति नायडू के रूप में, निशिकांत अधिकारी के रूप में, सिकंदर दुखेर निक्की अधिकारी के रूप में, अखंड रंजन कपूर भगवती रेमलु, अरविंद भनीपन्नम के रूप में, सत्यनारायण अधिकारी के रूप में, विजय केनकर गौरव मौर्य के रूप में, सुकांत गोयल शालू कर्तक के रूप में, जैन मोरिज खान तमन्ना खराना के रूप में, शिव रिंगानी शिव चौहान देव प्रकाश के रूप में, फैजल शहीद फरीदी बैग के रूप में, राधिका मदान पुष्पी के रूप में, अतिथि उपस्थिति सूर्य के रूप में, अभिमन्यु दशानी अतिथि उपस्थिति। फिल्म के आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। उन्होंने फिल्म के निर्देशक कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से राजकुमार राव और उमा कुरैशी दृश्य शैली हास्य पृष्ठभूमि स्कोर और हिंदी सिनेमा से पुरानी अपराध फिल्मों के लिए मध्यांजलि की प्रशंसा की, लेकिन कुछ आलोचकों ने फिल्म की आलोचना की। अगला हिस्सा इंडिया टुडे की जीनिया उपाध्याय ने फिल्म को 5 में से 4 सितारे दिए और लिखा, फिल्म के प्रेम सुंदर, ये आपको बस रुकने और उन्हें बार बार देखने पर मजबूर कर देगा और पृष्ठभूमि संगीत कथा के प्रभाव को बढ़ाता है, इसीलिए फिल्म के समाप्त होने के काफ़ी समय बाद भी ये आपके दिलों में बना रहेगा। फास्ट वर्ड में एना एम एस बॉडीकर्ट ने फिल्म को अभिनय और संगीत की प्रशंसा की, लेकिन अभी समूहवाद के प्रतिनिधित्व की आलोचना करते हुए कहा, यह परेशान करने वाला, हालांकि सोच रखने वाले लोगों ने लापरवाही से इस स्क्रिप्ट में मोनिका मचारो के एक कार्यालय कर्मचारी के रूप में एक कैबरे डांसर में रूप में दोहराए हुए लिखा, और ये भी उस पुराने रूढ़िवादियों से भारत के ईसाई अल्पसंख्यकों को जो नुकसान हुआ है उसे पहचानने के बिना 1980 के दशक हिंदी फिल्म के ईसाई महिलाओं के चित्रण के पुनर्स्थापन द इंडियन एक्सप्रेस ने फिल्म को सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और घोषित किया, आराम से बॉलीवुड ठीक चल रहा है, आप सही जगह पर नहीं देख रहे हैं। एनडीटीवी के सिविल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 4 सितारे दिए और इसे कहा कि एक चोसीदा मौकम कहा है जहाँ चतुराई से गुलदी एक कीमती सिनेमाई मौतों के बदले में देता है, सक्षम में ये एक ना भूलने वाला चमत्कार है। द वीक्स ने प्रतीक्षा मिश्रा ने 5 में से 3 स्टार दिया, लिखा सक्षम में मोनिका को माई डार्लिंग एक दिलचस्प कहानी है जो एक स्वादिष्ट गुलाटी ब्रह्मांड में एक महान कलाकारों के साथ सेट है, एक सख्त संपादन और एक अधिक कहानी के साथ फिल्म नीचे रखना लगभग असंभव होता है, लेकिन जैसा है ये खड़ा है, ये एक मजेदार घड़ी है। कहानी जब एक युवा आईटी पेशेवर एक अवैध कार्यालय के चक्कर से बाहर निकालने की कोशिश करता है तो चीज़ें बुरी तरह से गलत हो जाती है। क्या वो अपना नाम साफ कर पाएगा और ये इस जानलेवा गंदगी से भेदेगा निकल पाएगा। समीक्षा अप्रत्याशित एक दी घतुआत योग्य थ्रिलर बनाने की महत्वपूर्ण सामग्री में से एक है। दर्शक हमेशा अनुमान लगाते हैं कि आगे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। निर्देश भाषण वाला मर्द की दर्द नहीं होता है फेक और उनके लेखन योगेश चंद्रकांत के अधिकांश भाग के लिए उस पहलू को सही मानते हैं, लेकिन वे समान रूप से आकर्षक कथानक बनाने की उसके निष्पर्श के चुके जाने हैं। कहानी काफी हद तक एक प्रतिभाशाली रोबोटिक्स विशेषज्ञ जयंतु राजकुमार राव के कार्यों पर केंद्रित है, जिसके अपने संगठन में कार्य रेट सीरी की चतुराई से बढ़ाया है। कंपनी की CIO का भरोसा और अपनी बेटी के प्यार से उन्हें एक अच्छा पद और मोटी
खतरनाक दिलाई है, लेकिन उनकी सफलता ने उन्हें दुश्मनों और उम्मीदों की काबर संख्या भी दी है। इन सबके बीच उन ऑफिस की सबसे हॉट लड़की मेनिका हुमा कुरैशी के साथ यौन संबंध बना था, जो अपने कार्यस्थल पर कई पुरुषों के साथ संबंध बनाने के लिए कुख्यात है, लेकिन उसका लालच उस पर हावी हो जाता है और एक शैतानी योजना शुरू कर जाती है जो जल्द ही नियंत्रण से बाहर हो जाती है और लाशों का ढेर लगाना शुरू कर जाता है। गीत पिया तू अब तो आजा से लिया गया है, ये 11 नवंबर 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। कोंडा कारखाने में एक रात की होली के दौरान देव प्रकाश ने अपने दोस्त गौरव को सूचित किया कि उसने सालू से शादी का प्रस्ताव रखा है और उसने स्वीकार कर लिया है। उसके तुरंत बाद कंपनी का रोबोट देव पर हमला करता है और उसे मार डालता है। हमला एक दुर्घटना के रूप में बंद कर दिया गया है और जबकि सुरक्षा अधिकारी परिधि बेग को कंपनी से निकाल दिया गया है। 6 महीने बाद यूनिकॉर्न की 50वीं वर्षगांठ पर जयंत अर्खेड़ेकर को कंपनी के निदेशक मंडल में पदोन्नत किया गया। उन्होंने सीईओ सत्यनारायण अधिकारी की बेटी किनकी अधिकारी से भी सगाई की है। समारोह के बाद उनकी कंपनी की सुचित मोनिका मुचाड़ो के साथ संबंध होगा दिखाया गया है। मोनिका जयंत को बताता है कि वो अपने बच्चों के गर्भवती है और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में जयंतों की उसकी और मोनिका की तस्वीरों के साथ एक पत्र मिलता है जिससे उसे एक होटल में जाने के लिए कहा जाता है। होटल में वो न्यूयॉर्क के सीईओ अरविंद मणिवन्नम और सत्यनारायण के बेटे और प्रबंध निदेशक श्रीकांत अधिकारी से मिलते हैं। दोनों का ये भी दावा है कि मोनिका ने उनकी गर्भावस्था के साथ उन्हें ब्लैकमेल किया था। वे तीनों मोनिका की हत्या करने की योजना बनाई है जिसमें श्रीकांत उसकी हत्या कर देता है। अजयंत शरीर को ले जाता है और अरविंद शरीर का निपटन करता है। अरविंद और जयंत की अंतिम समय ये में योजना से बाहर होने की स्थिति में श्रीकांत ने उनसे एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाया। जब तक अरविंद और जयंत शरीर का जंगल में फंसने की कोशिश करते हुए एक तुरंत का सामना नहीं करते हैं तब तक ये योजना पटरी पर नहीं रहती है और उन्हें भागना पड़ता है। अगले दिन अरविंद और जयंत ये देखकर चौंक जाते हैं कि मोनिका अभी भी जीवित है। वन्यजीव फोटोग्राफी ने जंगल में पड़े शरीर की खोज की जो निशिकांत का निकला। पुलिस ये के एसीपी नायडू यूनिकॉर्न फॉलोअर्स ने मौत की जांच शुरू करते हैं, जबकि अरविंद और जयंत दोनों को शक है कि मोनिका ही है जिसने निशिकांत की हत्या की। अरविंद की बाद अपने घर पर एक जहरीले सांप मिला जिससे उसकी मौत हो गई। जयंत की एक समान पार्सल प्राप्त होता है, लेकिन ये वो भागने में सफल हो जाता है और अपने अनुबंध की एक तस्वीर के साथ एक ट्रैक्टर संदेह प्राप्त करता है। जयंत पाठ के निर्देशों का पालन करता है और अनुबंध को प्रमो प्राप्त करने के लिए क्षण पर जाता है, लेकिन गौरव जयंत दोस्त और होने वाला था साला उसे पीछे से धक्का दे देता है। वो जीवित रहता है और अनुबंध प्राप्त करने का प्रबंध करता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि ये एक फोटोग्राफी है। जयंत मोनिका के घर जाता है जहाँ वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ के बाद जुड़ू रुक जाता है। मोनिका उसे बताती है कि उसने निशिकांत या अरविंद को नहीं मारा और लगता है कि कातिल कौन है इसका पता लगा लिया है। इससे पहले कि वो जयंत को बता पाती वो सांप के जहर से मर जाती है जिसे उसकी शराब में मिला दिया जाता है। बाद में जयंत को पता चलता है कि देव की मौत की आंतरिक जांच में जयंत की दोषपूर्ण रोबोट तकनीक को दोषी ठहराया गया था, लेकिन सत्यनारायण ने उसे कवर किया है और फरीदी की निकल लिया। जब जयंत माफी मांगने के लिए फरीदी के मिलता है तो फरीदी और जेर लेकर कहते हैं कि देव दुर्घटना से नहीं मारा गया था बल्कि रोबोट की नियंत्रण से मैनुअल ओवरराइड द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। देव को मारने वाले रोबोट के मैनुअल एक्सेस लॉक की जांच करने के लिए जयंत और गौरव एक साथ न्यूयॉर्क फैक्ट्री जाते हैं। जयंत को पता चलता है कि गौरव ने कहीं देव की हत्या करी थी क्योंकि वो जयंत की बहुत सालों से प्यार करता था और गौरव रोबोट से जयंत पर हमला करता है। लड़ाई के दौरान गौरव ने निशिकांत और अरविंद के मारने की बात कबूल की, लेकिन मोनिका की नहीं। निशिकांत ने गौरव द्वारा देव की हत्या के देख और गौरव को अपने सेवक के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन जब निशिकांत ने गौरव से मोनिका की हत्या करने के लिए कहा या वो उसे सालू के सामने उजागर करेगा तो उसने निशि की हत्या कर दी और बाद में जयंत को मारने
सहित घर की साफ सफाई के लिए निकल पाए। कुछ संघर्ष के बाद जयंत अंत में उसके घड़ी के साथ रोबोट के निर्णायित करने में सक्षम हो जाता है और अंतरात्मा के गौरव को मार डालता है। बाद में नायडू ने एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि मोनिका का हत्यारा उनके अजन्मे बच्चे का पिता तमन्ना राठा है थाना है, जिसने मोनिका की हत्या के अवधारणा वेद के कारण आत्महत्या कर ली है। मोनिका के लिए प्रार्थना समारोह के दौरान नायडू ने जयंत को बताया कि मोनिका के बच्चे का वास्तविक पिता सत्यनारायण था। उसने सत्यनारायण को ब्लैकमेल करना शुरू करने के बाद तमन्ना जहर मोनिका की शराब पी ली और फिर से उसे चुप कराने के लिए नायडू ने तमन्ना की हत्या कर दी। जयंत बाद में मूल अनुबंध को पुनः प्राप्त करने के लिए गौरव के घर जाता है, लेकिन जैसे ही वो कागज को खोजता है और उसे जला देता है, वो उन सांपों से घिर जाता है और जिन्हें गौरव ने चुरा लिया था, और स्क्रीन काली हो जाती है जिससे उसका भाग्य अनजान रह जाता है। डालना राजकुमार राव जयंत जय अरगेकर उर्फ जॉनी के रूप में, हमा कुरैशी मोनिका मचाडो के रूप में, राधिका आप्टे एसीपी विजय शांति नायडू के रूप में, निशिकांत अधिकारी के रूप में, सिकंदर दखेर निक्की अधिकारी के रूप में, अखंड रंजन कपूर भगवती रेमलू, अरविंद भनीपन्नम के रूप में, सत्यनारायण अधिकारी के रूप में, विजय केनकर गौरव मौर्य के रूप में, सुकांत गोयल शालू कर्तक के रूप में, जैन मोरिज खान तमन्ना खराना के रूप में, शिव रिंगानी शिव चौहान देव प्रकाश के रूप में, फैजल शहीद फरीदी बैग के रूप में, राधिका मदान स्कूपी के रूप में, अतिथि उपस्थिति सूर्य के रूप में, अभिमन्यु दशानी अतिथि उपस्थिति। फिल्म के आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। उन्होंने फिल्म के निर्देशक कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से राजकुमार राव और उमा कुरैशी दृश्यों शोली हास्य पृष्ठभूमि स्कोर और हिंदी सिनेमा से पुरानी अपराध फिल्मों के लिए श्रद्धांजलि की प्रशंसा की, लेकिन कुछ आलोचकों ने फिल्म की आलोचना की। अगला हिस्सा इंडिया टुडे की जिनिया उपाध्याय ने फिल्म को 5 में से 4 सितारे दिए और लिखा, फिल्म के प्रेम सुंदर, ये आपको बस रुकने और उन्हें बार बार देखने पर मजबूर कर देगा और पृष्ठभूमि संगीत कथा के प्रभाव को बढ़ाता है, इसीलिए फिल्म के समाप्त होने के काफ़ी समय बाद भी ये आपके दिलों में बना रहेगा। फास्ट वर्ड में हेना एम एस वोडिकट ने फिल्म को अभिनय और संगीत की प्रशंसा की, लेकिन अभी समूहवाद के प्रतिनिधित्व की आलोचना करते हुए कहा, यह परेशान करने वाला, हालांकि सोच रखने वाले लोगों ने लापरवाही से इस स्क्रिप्ट में मोनिका मचारो के एक कार्यालय कर्मचारी के रूप में एक कैबरे डांसर में रूप में दोहराए हुए लिखा, और ये भी उस पुराने रूढ़िवादियों से भारत के ईसाई अल्पसंख्यकों को जो नुकसान हुआ है उसे पहचानने के बिना 1980 के दशक की हिंदी फिल्म के ईसाई महिलाओं के चित्रण के पुनर्स्थापन द इंडियन एक्सप्रेस ने फिल्म को एक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और घोषित किया, आराम से बॉलीवुड ठीक चल रहा है, आप सही जगह पर नहीं देख रहे हैं। एनडीटीवी के सिविल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 4 सितारे दिए और इसे कहा कि एक चुनिंदा मौका कहा है जहाँ चतुराई से गुल्दी एक कीमती सिनेमाई मौतों के बदले में देता है, सक्षम में ये एक ना भूलने वाला चमत्कार है। द वीक्स ने प्रतीक्षा मिश्रा ने 5 में से 3 स्टार दिया, लिखा, सक्षम में मोनिका को माय डार्लिंग एक दिलचस्प कहानी है जो एक स्वादिष्ट गुलाटी ब्रह्मांड में एक महान कलाकारों के साथ सेट है, एक सख्त संपादन और एक अधिक संक्षिप्त कहानी के साथ फिल्म नीचे रखना लगभग असंभव होता है, लेकिन जैसा है ये खड़ा है, ये एक मजेदार घड़ी है। कहानी जब एक युवा आईटी पेशेवर एक अवैध कार्यालय के चक्कर से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो चीज़ें बुरी तरह से गलत हो जाती है, क्या वो अपना नाम साफ कर पाएगा और ये इस जानलेवा गंदगी से भेदेगा निकल पाएगा। समीक्षी अप्रत्याशित एक द्विघातुक योग्य थ्रिलर बनाने की महत्वपूर्ण सामग्री में से एक है, दर्शक हमेशा अनुमान लगाते हैं कि आगे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। निर्देश भाषण वाला मर्द की दर्द नहीं होता है फेक और उनके लेखन योगेश चंद्रकांत के अधिकांश भाग के लिए उस पहलू को सही मानते हैं, लेकिन वे समान रूप से आकर्षक कथानक बनाने की उसके निष्पर्श के चुके जाने हैं। कहानी काफ़ी हद तक एक प्रतिभाशाली रोबोटिक्स विशेषज्ञ जयंतु राजकुमार राव के कार्यों पर केंद्रित है, जिसके अपने संगठन में कार्यरत सीरी की चतुराई से बढ़ाया है। कंपनी की CIO का भरोसा और अपनी बेटी के प्यार से उन्हें एक अच्छा पद और मोटी
खतरनाक दिलाई है, लेकिन उनकी सफलता ने उन्हें दुश्मनों और उम्मीदों की काबर संख्या भी दी है। इन सबके बीच उन ऑफिस की सबसे हॉट लड़की मेनिका हुमा कुरैशी के साथ यौन संबंध बना था, जो अपने कार्यस्थल पर कई पुरुषों के साथ संबंध बनाने के लिए कुख्यात है, लेकिन उसका लालच उस पर हावी हो जाता है और एक शैतानी योजना शुरू कर जाती है जो जल्द ही नियंत्रण से बाहर हो जाती है और लाशों का ढेर लगाना शुरू कर जाता है। गीत पिया तू अब तो आजा से लिया गया है, ये 11 नवंबर 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। कोंडा कारखाने में एक रात की होली के दौरान देव प्रकाश ने अपने दोस्त गौरव को सूचित किया कि उसने सालू से शादी का प्रस्ताव रखा है और उसने स्वीकार कर लिया है। उसके तुरंत बाद कंपनी का रोबोट देव पर हमला करता है और उसे मार डालता है। हमला एक दुर्घटना के रूप में बंद कर दिया गया है और जबकि सुरक्षा अधिकारी परिधि बेग को कंपनी से निकाल दिया गया है। 6 महीने बाद यूनिकॉर्न की 50वीं वर्षगांठ पर जयंत अर्खेड़ेकर को कंपनी के निदेशक मंडल में पदोन्नत किया गया। उन्होंने सीईओ सत्यनारायण अधिकारी की बेटी किनकी अधिकारी से भी सगाई की है। समारोह के बाद उनकी कंपनी की सचिव मोनिका मचाड़ो के साथ संबंध होगा दिखाया गया है। मोनिका जयंत को बताता है कि वो अपने बच्चों के गर्भवती है और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में जयंतों की उसकी और मोनिका की तस्वीरों के साथ एक पत्र मिलता है जिससे उसे एक होटल में जाने के लिए कहा जाता है। होटल में वो न्यूयॉर्क के सीईओ अरविंद मणिवन्नम और सत्यनारायण के बेटे और प्रबंध निदेशक श्रीकांत अधिकारी से मिलते हैं। दोनों का ये भी दावा है कि मोनिका ने उनकी गर्भावस्था के साथ उन्हें ब्लैकमेल किया था। वे तीनों मोनिका की हत्या करने की योजना बनाई है जिसमें श्रीकांत उसकी हत्या कर देता है, अजयंत शरीर को ले जाता है और अरविंद शरीर का निपटन करता है। अरविंद और जयंत की अंतिम समय ही योजना से बाहर होने की स्थिति में श्रीकांत ने उनसे एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाया। जब तक अरविंद और जयंत शरीर का जंगल में फंसने की कोशिश करते हुए एक तुरंत का सामना नहीं करते हैं तब तक ये योजना पटरी पर नहीं रहती है और उन्हें भागना पड़ता है। अगले दिन अरविंद और जयंत ये देखकर चौंक जाते हैं कि मोनिका अभी भी जीवित है। वन्यजीव फोटोग्राफी ने जंगल में पड़े शरीर की खोज की जो निशिकांत का निकला। पुलिस ये के एसीपी नायडू यूनिकॉर्न फॉलोअर्स में मौत की जांच शुरू करते हैं, जबकि अरविंद और जयंत दोनों को शक है कि मोनिका ही है जिसने निशिकांत की हत्या की। अरविंद की बाद अपने घर पर एक जहरीले सांप मिला जिससे उसकी मौत हो गई। जयंत की एक समान पार्सल प्राप्त होता है, लेकिन ये वो भागने में सफल हो जाता है और अपने अनुबंध की एक तस्वीर के साथ एक ट्रैक्टर संदेह प्राप्त करता है। जयंत पाठ के निर्देशों का पालन करता है और अनुबंध को प्रमो प्राप्त करने के लिए क्षण पर जाता है, लेकिन गौरव जयंत दोस्त और होने वाला था साला उसे पीछे से धक्का दे देता है। वो जीवित रहता है और अनुबंध प्राप्त करने का प्रबंध करता है, केवल ये पता लगाने के लिए ये एक फोटोग्राफी है। जयंत मोनिका के घर जाता है जहाँ वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन अंतरात्मा की आवाज के बाद रुक जाता है। मोनिका उसे बताती है कि उसने निशिकांत या अरविंद को नहीं मारा और लगता है कि कातिल कौन है इसका पता लगा लिया है। इससे पहले कि वो जयंत को बता पाती वो सांप के जहर से मर जाती है जिसे उसकी शराब में मिला दिया जाता है। बाद में जयंत को पता चलता है कि देव की मौत की आंतरिक जांच में जयंत की दोषपूर्ण रोबोट तकनीक को दोषी ठहराया गया था, लेकिन सत्यनारायण ने उसे कवर किया है और फरीदी की निकल लिया। जब जयंत माफी मांगने के लिए फरीदी के मिलता है तो फरीदी और जेर लेकर कहते हैं कि देव दुर्घटना से नहीं मारा गया था बल्कि रोबोट की नियंत्रण से मैनुअल ओवरराइड द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। देव को मारने वाले रोबोट के मैनुअल एक्सेस लॉक की जांच करने के लिए जयंत और गौरव एक साथ न्यूयॉर्क फैक्ट्री जाते हैं। जयंत को पता चलता है कि गौरव ने कहीं देव की हत्या करी थी क्योंकि वो जयंत की बहुत सालों से प्यार करता था और गौरव रोबोट से जयंत पर हमला करता है। लड़ाई के दौरान गौरव ने निशिकांत और अरविंद के मारने की बात कबूल की लेकिन मोनिका की नहीं। निशिकांत ने गौरव द्वारा देव की हत्या के देख और गौरव को अपने सेवक के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन जब निशिकांत ने गौरव से मोनिका की हत्या करने के लिए कहा या वो उसे सालू के सामने उजागर करेगा तो उसने निशि की हत्या कर दी और बाद में जयंत को मारने सहित घर की साफ सफाई के लिए निकल पा रहे।
कुछ संघर्ष के बाद जयंत अंत में उसके घड़ी के साथ रोबोट के निर्णायित करने में सक्षम हो जाता है और अंतरात्मा के गौरव को मार डालता है। बाद में नायडू ने एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि मोनिका का हत्यारा उनके जन्म अजन्मे बच्चे का पिता तमन्ना राठा है आना है, जिसने मोनिका की हत्या के अवधारणा वेद के कारण आत्महत्या कर ली है। मोनिका के लिए प्रार्थना समारोह के दौरान नायडू ने जयंत को बताया कि मोनिका के बच्चे का वास्तविक पिता सत्यनारायण था। उसने सत्यनारायण को ब्लैकमेल करना शुरू करने के बाद तमन्ना जहर मोनिका की शराब पी ली और फिर से उसे चुप कराने के लिए नायडू ने तमन्ना की हत्या कर दी। जयंत बाद में मूल अनुबंध को पुनः प्राप्त करने के लिए गौरव के घर जाता है, लेकिन जैसे ही वो कागज को खोजता है और उसे जला देता है, वो उन सांपों से घिर जाता है और जिन्हें गौरव ने चुरा लिया था, और स्क्रीन काली हो जाती है, जिससे उसका भाग्य अनजान रह जाता है। डाला राजकुमार राव जयंत जय अरगेकर उर्फ जॉनी के रूप में, हमा कुरेशी मोनिका मचाडो के रूप में, राधिका आप्ते एसीपी विजय शांति नायडू के रूप में, निशिकांत अधिकारी के रूप में, सिकंदर दुखेर निक्की अधिकारी के रूप में, अकांत रंजन कपूर भगवती रेमलु, अरविंद भनीपन्नम के रूप में, सत्यनारायण अधिकारी के रूप में, विजय केनकर गौरव मौर्य के रूप में, सुकांत गोयल शालू कर्तक के रूप में, जैन मोरिज खान तमन्ना खराना के रूप में, शिव रिंगानी शिव चौहान देव प्रकाश के रूप में, फैजल शहीद फरीदी बैग के रूप में, राधिका मदान स्पूपी के रूप में, अतिथि उपस्थिति सूर्य के रूप में, अभिमन्यु दशानी अतिथि उपस्थिति। फिल्म के आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। उन्होंने फिल्म के निर्देशक कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से राजकुमार राव और उमा कुरैशी दृश्य शैली हास्य पृष्ठभूमि स्कोर और हिंदी सिनेमा से पुरानी अपराध फिल्मों के लिए श्रद्धांजलि की प्रशंसा की, लेकिन कुछ आलोचकों ने फिल्म की आलोचना की। अगला हिस्सा इंडिया टुडे की जीनिया उपाध्याय ने फिल्म को 5 में से 4 सितारे दिए और लिखा, फिल्म के प्रेम सुंदर, ये आपको बस रुकने और उन्हें बार बार देखने पर मजबूर कर दे और पृष्ठभूमि संगीत कथा के प्रभाव को बढ़ाता है, इसीलिए फिल्म के समाप्त होने के काफ़ी समय बाद भी ये आपके दिलों में बना रहेगा। फास्ट वर्ड में हेना एम एस बॉडीकट ने फिल्म को अभिनय और संगीत की प्रशंसा की, लेकिन अभी समूहवाद के प्रतिनिधित्व की आलोचना करते हुए कहा, यह परेशान करने वाला, हालांकि सोच रखने वाले लोगों ने लापरवाही से इस स्क्रिप्ट में मोनिका मचारो के एक कार्यालय कर्मचारी के रूप में एक कैबरे डांसर में रूप में दोहराए हुए लिखा, और ये भी उस पुराने रूढ़िवादियों से भारत के ईसाई अल्पसंख्यकों को जो नुकसान हुआ है उसे पहचानने के बिना 1980 के दशक की हिंदी फिल्म के ईसाई महिलाओं के चित्रण के पुनर्स्थापन द इंडियन एक्सप्रेस ने फिल्म को एक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और घोषित किया, आराम से बॉलीवुड ठीक चल रहा है, आप सही जगह पर नहीं देख रहे हैं। एनडीटीवी के सिविल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 4 सितारे दिए और इसे कहा कि एक चोसीदा मौकम कहा है जहाँ चतुराई से गुलदी एक कीमती सिनेमाई मौतों के बदले में देता है, सक्षम में ये एक ना भूलने वाला चमत्कार है। द वीक्स ने प्रतीक्षा में मिर्जा ने 5 में से 3 स्टार दिया, लिखा सक्षम में मोनिका को माई डार्लिंग एक दिलचस्प कहानी है जो एक स्वादिष्ट गुलाटी ब्रह्मांड में एक महान कलाकारों के साथ सेट है, एक सख्त संपादन और एक अधिक संक्षिप्त कहानी के साथ फिल्म नीचे रखना लगभग असंभव होता है, लेकिन जैसा ये खड़ा है ये एक मजेदार घड़ी है। कहानी जब एक युवा आईटी पेशेवर एक अवैध कार्यालय के चक्कर से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो चीज़ें बुरी तरह से गलत हो जाती है, क्या वो अपना नाम साफ कर पाएगा और ये इस जानलेवा गंदगी से भेदेगा निकल पाएगा। समीक्षा अप्रत्याशित एक दी घतुवात योग्य थ्रिलर बनाने की महत्वपूर्ण सामग्री में से एक है, दर्शक हमेशा अनुमान लगाते हैं कि आगे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। निर्देश भाषण वाला मर्द की दर्द नहीं होता है फेक और उनके लेखन योगेश चंद्रकांत के अधिकांश भाग के लिए उस पहलू को सही मानते हैं, लेकिन वे समान रूप से आकर्षक कथानक बनाने की उसके निष्पर्श के चुके जाने हैं। कहानी काफ़ी हद तक एक प्रतिभाशाली रोबोटिक्स विशेषज्ञ जयंतु राजकुमार राव के कार्यों पर केंद्रित है, जिसके अपने संगठन ने कार्यरत सीरी की चतुराई से बढ़ाया है। कंपनी की CIO का भरोसा और अपनी बेटी के प्यार से उन्हें एक अच्छा पद और मोटी
खतरनाक दिलाई है, लेकिन उनकी सफलता ने उन्हें दुश्मनों और उनमें दिनों की कारोबार संख्या भी दी है। इन सबके बीच उन ऑफिस की सबसे हॉट लड़की मेनिका हुमा कुरैशी के साथ यौन संबंध बना था, जो अपने कार्यस्थल पर कई पुरुषों के साथ संबंध बनाने के लिए कुख्यात है, लेकिन उसका लालच उस पर हावी हो जाता है और एक शैतानी योजना शुरू कर जाती है जो जल्द ही नियंत्रण से बाहर हो जाती है और लाशों का ढेर लगाना शुरू कर जाता है। गीत पिया तू अब तो आजा से लिया गया है, ये 11 नवंबर 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। कोंडा कारखाने में एक रात की होली के दौरान देव प्रकाश ने अपने दोस्त गौरव को सूचित किया कि उसने सालू से शादी का प्रस्ताव रखा है और उसने स्वीकार कर लिया है। इसके तुरंत बाद कंपनी का रोबोट देव पर हमला करता है और उसे मार डालता है। हमला एक दुर्घटना के रूप में बंद कर दिया गया है और जबकि सुरक्षा अधिकारी फरीदि बेग को कंपनी से निकाल दिया गया है। 6 महीने बाद यूनिकॉर्न की 50वीं वर्षगांठ पर जयंत अर्खेड़ेकर को कंपनी के निदेशक मंडल में पदोन्नत किया गया। उन्होंने सीआईओ सत्यनारायण अधिकारी की बेटी किनकी अधिकारी से भी सगाई की है। समारोह के बाद उनकी कंपनी की सुचित मोनिका मचाड़ो के साथ संबंध होगा दिखाया गया है। मोनिका जयंत को बताता है कि वो अपने बच्चों के गर्भवती है और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में जयंतों की उसकी और मोनिका की तस्वीरों के साथ एक पत्र मिलता है जिससे उसे एक होटल में जाने के लिए कहा जाता है। होटल में वो न्यूयॉर्क के सीईओ अरविंद मणिवन्नम और सत्यनारायण के बेटे और प्रबंध निदेशक श्रीकांत अधिकारी से मिलते हैं। दोनों का ये भी दावा है कि मोनिका ने उनकी गर्भावस्था के साथ उन्हें ब्लैकमेल किया था। वे तीनों मोनिका की हत्या करने की योजना बनाई है जिसमें श्रीकांत उसकी हत्या कर देता है, अजयंत शरीर को ले जाता है और अरविंद शरीर का निपटन करता है। अरविंद और जयंत की अंतिम समय ही ने योजना से बाहर होने की स्थिति में श्रीकांत ने उनसे एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाया। जब तक अरविंद और जयंत शरीर का जंगल में फंसने की कोशिश करते हुए एक तुरंत का सामना नहीं करते हैं तब तक ये योजना पटरी पर नहीं रहती है और उन्हें भागना पड़ता है। अगले दिन अरविंद और जयंत ये देखकर चौंक जाते हैं कि मोनिका अभी भी जीवित है। वन्यजीव फोटोग्राफी ने जंगल में पड़े शरीर की खोज की जो निशिकांत का निकला। पुलिस ये के एसीपी नायडू यूनिकॉर्न फॉलोअर्स ने मौत की जांच शुरू करते हैं, जबकि अरविंद और जयंत दोनों को शक है कि मोनिका ही है जिसने निशिकांत की हत्या की। अरविंद की बाद अपने घर पर एक जहरीले सांप मिला जिससे उसकी मौत हो गई। जयंत की एक समान पार्सल प्राप्त होता है लेकिन ये वो भागने में सफल हो जाता है और अपने अनुबंध की एक तस्वीर के साथ एक ट्रैक्टर संदेह प्राप्त करता है। जयंत पाठ के निर्देशों का पालन करता है और अनुबंध को प्रमो प्राप्त करने के लिए क्षण पर जाता है, लेकिन गौरव जयंत के दोस्त और होने वाला था साला उसे पीछे से धक्का दे देता है। वो जीवित रहता है और अनुबंध प्राप्त करने का प्रबंध करता है केवल ये पता लगाने के लिए कि ये एक फोटोग्राफी है। जयंत मोनिका के घर जाता है जहाँ वो उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ के बाद जुड़ू रुक जाता है। मोनिका उसे बताती है कि उसने निशिकांत या अरविंद को नहीं मारा और लगता है कि कातिल कौन है इसका पता लगा लिया है। इससे पहले कि वो जयंत को बता पाती वो सांप के जहर से मर जाती है जिसे उसकी शराब में मिला दिया जाता है। बाद में जयंत को पता चलता है कि देव की मौत की आंतरिक जांच में जयंत की दोषपूर्ण रोबोट तकनीक को दोषी ठहराया गया था लेकिन सत्यनारायण ने उसे कवर किया है और फरीदि की निकल लिया। जब जयंत माफी मांगने के लिए फरीदि के मिलता है तो फरीदि और जेर लेकर कहते हैं कि देव दुर्घटना से नहीं मारा गया था बल्कि रोबोट की नियंत्रण से मैनुअल ओवरराइड द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। देव को मारने वाले रोबोट के मैनुअल एक्सेस लॉक की जांच करने के लिए जयंत और गौरव एक साथ न्यूयॉर्क फैक्ट्री जाते हैं। जयंत को पता चलता है कि गौरव ने कहीं देव की हत्या करी थी क्योंकि वो जयंत के बहुत सालों से प्यार करता था और गौरव रोबोट से जयंत पर हमला करता है। लड़ाई के दौरान गौरव ने निशिकांत और अरविंद के मारने की बात कबूल की लेकिन मोनिका की नहीं। निशिकांत ने गौरव द्वारा देव की हत्या के देख और गौरव को अपने सेवक के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया लेकिन जब निशिकांत ने गौरव से मोनिका की हत्या करने के लिए कहा या वो उसे सालू के सामने उजागर करेगा तो उसने निशि की हत्या कर दी और बाद में जयंत को मारने
सहित घर की साफ सफाई के लिए निकल पाए। कुछ संघर्ष के बाद जयंत अंत में उसके घड़ी के साथ रोबोट के निर्णायित करने में सक्षम हो जाता है और अंतरात्मा के गौरव को मार डालता है। बाद में नायडू ने एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि मोनिका का हत्यारा उनके जन्म अजन्मे बच्चे का पिता तमन्ना राठा है ना है, जिसने मोनिका की हत्या के अवधारणा वेद के कारण आत्महत्या कर ली है। मोनिका के लिए प्रार्थना समारोह के दौरान नायडू ने जयंत को बताया कि मोनिका के बच्चे का वास्तविक पिता सत्यनारायण था। उसने सत्यनारायण को ब्लैकमेल करना शुरू करने के बाद तमन्ना जहर मोनिका की शराब पी ली और फिर से उसे चुप कराने के लिए नायडू ने तमन्ना की हत्या कर दी। जयंत बाद में मूल अनुबंध को पुनः प्राप्त करने के लिए गौरव के घर जाता है, लेकिन जैसे ही वो कागज को खोजता है और उसे जला देता है, वो उन सांपों से घिर जाता है और जिन्हें गौरव ने चुरा लिया था, और स्क्रीन काली हो जाती है जिससे उसका भाग्य अनजान रह जाता है। डालना राजकुमार राव जयंत जय अरगेकर उर्फ जॉनी के रूप में हमा कुरैशी, मोनिका मचाडो के रूप में राधिका आप्टे एसीपी, विजय शांति नायडू के रूप में निशिकांत, अधिकारी के रूप में सिकंदर दुखेर, निक्की अधिकारी के रूप में अकांत रंजन कपूर, भगवती रेमलू, अरविंद भनीपन्नम के रूप में सत्यनारायण, अधिकारी के रूप में विजय केनकर, गौरव मौर्य के रूप में सुकांत गोयल, शालू कर्तक के रूप में जैन मोरिज खान, तमन्ना खराना के रूप में शिव रिंगानी, शिव चौहान, देव प्रकाश के रूप में फैजल शहीद, फरीदी बैग के रूप में राधिका मदान, पुष्पी के रूप में अतिथि उपस्थिति, सूर्य के रूप में अभिमन्यु दशानी अतिथि उपस्थिति। फिल्म के आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। उन्होंने फिल्म के निर्देशक कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से राजकुमार राव और उमा कुरैशी, दृश्य शैली, हास्य पृष्ठभूमि, स्कोर और हिंदी सिनेमा से पुरानी अपराध फिल्मों के लिए श्रद्धांजलि की प्रशंसा की, लेकिन कुछ आलोचकों ने फिल्म की आलोचना की। अगला हिस्सा इंडिया टुडे की जीनिया मुखोपाध्याय ने फिल्म को 5 में से 4 सितारे दिए और लिखा, फिल्म के प्रेम सुंदर, ये आपको बस रुकने और उन्हें बार बार देखने पर मजबूर कर देगा और पृष्ठभूमि संगीत कथा के प्रभाव को बढ़ाता है, इसीलिए फिल्म के समाप्त होने के काफ़ी समय बाद भी ये आपके दिलों में बना रहेगा। फास्ट वर्ड में एम एस बोडीकर ने फिल्म को अभिनय और संगीत की प्रशंसा की, लेकिन अभी समूहवाद के प्रतिनिधित्व की आलोचना करते हुए कहा, यह परेशान करने वाला, हालांकि सोच रखने वाले लोगों ने लापरवाही से इस स्क्रिप्ट में मोनिका मचारो के एक कार्यालय कर्मचारी के रूप में एक कैबरे डांसर में रूप में दोहराए हुए लिखा, और ये भी उस पुराने रूढ़िवादियों से भारत के ईसाई अल्पसंख्यकों को जो नुकसान हुआ है उसे पहचानने के बिना 1980 के दशक की हिंदी फिल्म के ईसाई महिलाओं के चित्रण के पुनर्स्थापन द इंडियन एक्सप्रेस ने फिल्म को एक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और घोषित किया, आराम से बॉलीवुड ठीक चल रहा है, आप सही जगह पर नहीं देख रहे हैं। NDTV के सिविल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 4 सितारे दिए और इसे कहा कि एक चुनिंदा मौका कहा है जहाँ चतुराई से गुलदी एक कीमती सिनेमाई मौतों के बदले में देता है, सक्षम में ये एक ना भूलने वाला चमत्कार है। द वीक्स ने प्रतीक्षा मिश्रा ने 5 में से 3 स्टार दिया, लिखा, सक्षम में मोनिका को माई डार्लिंग एक दिलचस्प कहानी है जो एक स्वादिष्ट गुलाटी ब्रह्मास्त्र नांद में एक महान कलाकारों के साथ सेट है, एक सख्त संपादन और एक अधिक कहानी के साथ फिल्म नीचे रखना लगभग असंभव होता है, लेकिन जैसा है ये खड़ा है, ये एक मजेदार घड़ी है। कहानी जब एक युवा IT पेशेवर एक अवैध कार्यालय के चक्कर से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो चीज़ें बुरी तरह से गलत हो जाती है, क्या वो अपना नाम साफ कर पाएगा और ये इस जानलेवा गंदगी से भेदेगा निकल पाएगा। समीक्षी अप्रत्याशित एक दीर्घतुवात योग्य थ्रिलर बनाने की महत्वपूर्ण सामग्री में से एक है, दर्शक हमेशा अनुमान लगाते हैं कि आगे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। निर्देश भाषण वाला मर्द की दर्द नहीं होता है फेक और उनके लेखन योगी सी चंद्रकांत के अधिकांश भाग के लिए उस पहलू को सही मानते हैं, लेकिन वे समान रूप से आकर्षक कथानक बनाने की उसके निष्पर्श के चुके जाने हैं। कहानी काफ़ी हद तक एक प्रतिभाशाली रोबोटिक्स विशेषज्ञ जयंतु राजकुमार राव के कार्यों पर केंद्रित है, जिसके अपने संगठन में कार्यरत सीरी की चतुराई से बढ़ाया है। कंपनी की CIO का भरोसा और अपनी बेटी के प्यार से उन्हें एक अच्छा पद और मोटी
खतरनाक दिलाई है, लेकिन उनकी सफलता ने उन्हें दुश्मनों और उम्मीदियों की कारोबार संख्या भी दी है। इन सबके बीच उन ऑफिस की सबसे हॉट लड़की मेनिका हुमा कुरैशी के साथ यौन संबंध बनाते हैं, जो अपने कार्यस्थल पर कई पुरुषों के साथ संबंध बनाने के लिए कुख्यात है, लेकिन उसका लालच उस पर हावी हो जाता है और एक शैतानी योजना शुरू कर जाती है जो जल्द ही नियंत्रण से बाहर हो जाती है और लाशों का ढेर लगाना शुरू कर जाता है। गीत पिया तू अब तो आजा से लिया गया है, ये 11 नवंबर 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। कोंडा कारखाने में एक रात की होली के दौरान देव प्रकाश ने अपने दोस्त गौरव को सूचित किया कि उसने सालू से शादी का प्रस्ताव रखा है और उसने स्वीकार कर लिया है। उसके तुरंत बाद कंपनी का रोबोट देव पर हमला करता है और उसे मार डालता है। हमला एक दुर्घटना के रूप में बंद कर दिया गया है और जबकि सुरक्षा अधिकारी परिधि बेग को कंपनी से निकाल दिया गया है। 6 महीने बाद यूनिकॉर्न की 50वीं वर्ष पर जयंत अरखेड़ेकर को कंपनी के निदेशक मंडल में पदोन्नत किया गया। उन्होंने CIO सत्यनारायण अधिकारी की बेटी किनकी अधिकारी से भी सगाई की है। समारोह के बाद उनकी कंपनी की सचिव मोनिका मुचाड़ो के साथ संबंध होगा दिखाया गया है। मोनिका जयंत को बताता है कि वो अपने बच्चों के गर्भवती है और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में जयंतों की उसकी और मोनिका की तस्वीरों के साथ एक पत्र मिलता है जिससे उसे एक होटल में जाने के लिए कहा जाता है। होटल में वो न्यूयॉर्क के CEO अरविंद मणिवन्नम और सत्यनारायण के बेटे और प्रबंध निदेशक श्रीकांत अधिकारी से मिलते हैं। दोनों का ये भी दावा है कि मोनिका ने उनकी गर्भावस्था के साथ उन्हें ब्लैकमेल किया था। वे तीनों मोनिका की हत्या करने की योजना बनाई है जिसमें श्रीकांत उसकी हत्या कर देता है। अजयंत शरीर को ले जाता है और अरविंद शरीर का निपटन करता है। अरविंद और जयंत की अंतिम समय में योजना से बाहर होने की स्थिति में श्रीकांत ने उनसे एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाया। जब तक अरविंद और जयंत शरीर का जंगल में फंसने की कोशिश करते हुए एक तुरंत का सामना नहीं करते हैं तब तक ये योजना पटरी पर नहीं रहती है और उन्हें भागना पड़ता है। अगले दिन अरविंद और जयंत ये देखकर चौंक जाते हैं कि मोनिका अभी भी जीवित है। वन्यजीव फोटोग्राफी ने जंगल में पड़े शरीर की खोज की जो निशिकांत का निकला। पुलिस के ACP नायडू यूनिकॉर्न फॉलोअर्स में मौत की जांच शुरू करते हैं, जबकि अरविंद और जयंत दोनों को शक है कि मोनिका ही है जिसने निशिकांत की हत्या की। अरविंद की बाद अपने घर पर एक जहरीले सांप मिला जिससे उसकी मौत हो गई। जयंत की एक समान पार्सल प्राप्त होता है, लेकिन ये वो भागने में सफल हो जाता है और अपने अनुबंध की एक तस्वीर के साथ एक ट्रैक्टर संदेह प्राप्त करता है। जयंत पाठ के निर्देशों का पालन करता है और अनुबंध को प्रमो प्राप्त करने के लिए क्षण पर जाता है, लेकिन गौरव जयंत दोस्त और होने वाला धौशाला उसे पीछे से धक्का दे देता है। वो जीवित रहता है और अनुबंध प्राप्त करने का प्रबंध करता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि ये एक फोटोग्राफी है। जयंत मोनिका के घर जाता है जहाँ वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन अंतरात्मा की आवाज के बाद रुक जाता है। मोनिका उसे बताती है कि उसने निशिकांत या अरविंद को नहीं मारा और लगता है कि कातिल कौन है इसका पता लगा लिया है। इससे पहले कि वो जयंत को बता पाती वो सांप के जहर से मर जाती है जिसे उसकी शराब में मिला दिया जाता है। बाद में जयंत को पता चलता है कि देव की मौत की आंतरिक जांच में जयंत की दोषपूर्ण रोबोट तकनीक को दोषी ठहराया गया था, लेकिन सत्यनारायण ने उसे कवर किया है और फरीदी की निकल लिया। जब जयंत माफी मांगने के लिए फरीदी के मिलता है तो फरीदी और जेर लेकर कहते हैं कि देव दुर्घटना से नहीं मारा गया था बल्कि रोबोट की नियंत्रण से मैनुअल ओवरराइड द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। देव को मारने वाले रोबोट के मैनुअल एक्सेस लॉग की जांच करने के लिए जयंत और गौरव एक साथ न्यूयॉर्क फैक्ट्री जाते हैं। जयंत को पता चलता है कि गौरव ने कहीं देव की हत्या करी थी क्योंकि वो जयंत की बहुत सालों से प्यार करता था और गौरव रोबोट से जयंत पर हमला करता है। लड़ाई के दौरान गौरव ने निशिकांत और अरविंद के मारने की बात कबूल की, लेकिन मोनिका की नहीं। निशिकांत ने गौरव द्वारा देव की हत्या के देख और गौरव को अपने सेवक के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन जब निशिकांत ने गौरव से मोनिका की हत्या करने के लिए कहा या वो उसे सालू के सामने उजागर करेगा तो उसने निशि की हत्या कर दी और बाद में जयंत को मारने
सहित घर की साफ सफाई के लिए निकल पाए। कुछ संघर्ष के बाद जयंत अंत में उसके घड़ी के साथ रोबोट के निर्णायित करने में सक्षम हो जाता है और अंतरात्मा के गौरव को मार डालता है। बाद में नायडू ने एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि मोनिका का हत्यारा उनके जन्म अजन्मे बच्चे का पिता तमन्ना राठा है आना है, जिसमें मोनिका की हत्या के अवधारणा वेद के कारण आत्महत्या कर ली है। मोनिका के लिए प्रार्थना समारोह के दौरान नायडू ने जयंत को बताया कि मोनिका के बच्चे का वास्तविक पिता सत्यनारायण था। उसने सत्यनारायण को ब्लैकमेल करना शुरू करने के बाद तमन्ना जहर मोनिका की शराब पी ली और फिर से उसे चुप कराने के लिए नायडू ने तमन्ना की हत्या कर दी। जयंत बाद में मूल अनुबंध को पुनः प्राप्त करने के लिए गौरव के घर जाता है, लेकिन जैसे ही वो कागज को खोजता है और उसे जला देता है, वो उन सांपों से घिर जाता है और जिन्हें गौरव ने चुरा लिया था, और स्क्रीन काली हो जाती है, जिससे उसका भाग्य अनजान रह जाता है। डाला राजकुमार राव जयंत जय अरगेकर उर्फ जॉनी के रूप में, हमा कुरेशी मोनिका मचाडो के रूप में, राधिका आप्ते एसीपी विजय शांति नायडू के रूप में, निशिकांत अधिकारी के रूप में, सिकंदर दुखेर निक्की अधिकारी के रूप में, अकांत रंजन कपूर भगवती रिमलु, अरविंद भनीपन्नम के रूप में, सत्यनारायण अधिकारी के रूप में, विजय केनकर गौरव मौर्य के रूप में, सुकांत गोयल शालू कर्तक के रूप में, जैन मोरिज खान तमन्ना खराना के रूप में, शिव रिंगानी शिव चौहान देव प्रकाश के रूप में, फैजल शहीद फरीदी बैग के रूप में, राधिका मदान पुष्पी के रूप में, अतिथि उपस्थिति सूर्य के रूप में, अभिमन्यु दशानी अतिथि उपस्थिति। फिल्म के आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। उन्होंने फिल्म के निर्देशक कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से राजकुमार राव और उमा कुरैशी, दृश्य शैली, हास्य पृष्ठभूमि, स्कोर और हिंदी सिनेमा से पुरानी अपराध फिल्मों के लिए श्रद्धांजलि की प्रशंसा की, लेकिन कुछ आलोचकों ने फिल्म की आलोचना की। अगला हिस्सा इंडिया टुडे की जीनिया उपाध्याय ने फिल्म को 5 में से 4 सितारे दिए और लिखा, फिल्म के प्रेम सुंदर, ये आपको बस रुकने और उन्हें बार बार देखने पर मजबूर कर दे और पृष्ठभूमि संगीत कथा के प्रभाव को बढ़ाता है, इसीलिए फिल्म के समाप्त होने के काफ़ी समय बाद भी ये आपके दिलों में बना रहेगा। फास्ट वर्ड में एम एस बोडीकट ने फिल्म को अभिनय और संगीत की प्रशंसा की, लेकिन अभी समूहवाद के प्रतिनिधित्व की आलोचना करते हुए कहा, यह परेशान करने वाला, हालांकि सोच रखने वाले लोगों ने लापरवाही से इस स्क्रिप्ट में मोनिका मचारो के एक कार्यालय कर्मचारी के रूप में एक कैबरे डांसर में रूप में दोहराए हुए लिखा, और ये भी उस पुराने रूढ़िवादियों से भारत के ईसाई अल्पसंख्यकों को जो नुकसान हुआ है उसे पहचानने के बिना 1980 के दशक की हिंदी फिल्म के ईसाई महिलाओं के चित्रण के पुनर्स्थापन द इंडियन एक्सप्रेस ने फिल्म को एक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और घोषित किया, आराम से बॉलीवुड ठीक चल रहा है, आप सही जगह पर नहीं देख रहे हैं। NDTV के सिविल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 4 सितारे दिए और इसे कहा कि एक चोसीदा मौकम कहा है जहाँ चतुराई से गुलदी एक कीमती सिनेमाई मौतों के बदले में देता है, सक्षम में ये एक ना भूलने वाला चमत्कार है। द वीक्स ने प्रतीक्षा मिश्रा ने 5 में से 3 स्टार दिया, लिखा, सक्षम में मोनिका को माई डार्लिंग एक दिलचस्प कहानी है जो एक स्वादिष्ट गुलाटी ब्रह्मांड में एक महान कलाकारों के साथ सेट है, एक सख्त संपादन और एक अधिक कहानी के साथ फिल्म नीचे रखना लगभग असंभव होता है, लेकिन जैसा है ये खड़ा है, ये एक मजेदार घड़ी है। कहानी जब एक युवा IT पेशेवर एक अवैध कार्यालय के चक्कर से बाहर निकालने की कोशिश करता है तो चीज़ें बुरी तरह से गलत हो जाती है। क्या वो अपना नाम साफ कर पाएगा और ये इस जानलेवा गंदगी से बेदेगा निकल पाएगा? समीक्षी अप्रत्याशित एक द्विघातुवाद योग्य थ्रिलर बनाने की महत्वपूर्ण सामग्री में से एक है। दर्शक हमेशा अनुमान लगाते हैं कि आगे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। निर्देश भाषण वाला मर्द की दर्द नहीं होता है फेक और उनके लेखन योगी सी चंद्रकांत के अधिकांश भाग के लिए उस पहलू को सही मानते हैं, लेकिन वे समान रूप से आकर्षक कथानक बनाने की उसके निष्पर्श के चुके जाने हैं। कहानी काफी हद तक एक प्रतिभाशाली रोबोटिक्स विशेषज्ञ जयंतु राजकुमार राव के कार्यों पर केंद्रित है, जिसके अपने संगठन में कार्यरत सीरी की चतुराई से बढ़ाया है। कंपनी की CIO का भरोसा और अपनी बेटी के प्यार से उन्हें एक अच्छा पद और मोटी
खतरनाक दिलाई है, लेकिन उनकी सफलता ने उन्हें दुश्मनों और उम्मीदियों की काबर संख्या भी दी है। इन सबके बीच उन ऑफिस की सबसे हॉट लड़की मेनिका हुमा कुरैशी के साथ यौन संबंध बना था, जो अपने कार्यस्थल पर कई पुरुषों के साथ संबंध बनाने के लिए कुख्यात है, लेकिन उसका लालच उस पर हावी हो जाता है और एक शैतानी योजना शुरू कर जाती है जो जल्द ही नियंत्रण से बाहर हो जाती है और लाशों का ढेर लगाना शुरू कर जाता है। गीत पिया तू अब तो आजा से लिया गया है, ये 11 नवंबर 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। कोंडा कारखाने में एक रात की होली के दौरान देव प्रकाश ने अपने दोस्त गौरव को सूचित किया कि उसने सालू से शादी का प्रस्ताव रखा है और उसने स्वीकार कर लिया है। उसके तुरंत बाद कंपनी का रोबोट देव पर हमला करता है और उसे मार डालता है। हमला एक दुर्घटना के रूप में बंद कर दिया गया है और जबकि सुरक्षा अधिकारी परिधि बेग को कंपनी से निकाल दिया गया है। 6 महीने बाद यूनिकॉर्न की 50वीं वर्षगांठ पर जयंत अर्खेड़ेकर को कंपनी के निदेशक मंडल में पदोन्नत किया गया। उन्होंने सीईओ सत्यनारायण अधिकारी की बेटी किनकी अधिकारी से भी सगाई की है। समारोह के बाद उनकी कंपनी की सुचित मोनिका मचाड़ो के साथ संबंध होगा दिखाया गया है। मोनिका जयंत को बताता है कि वो अपने बच्चों के गर्भवती है और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में जयंतों की उसकी और मोनिका की तस्वीरों के साथ एक पत्र मिलता है जिससे उसे एक होटल में जाने के लिए कहा जाता है। होटल में वो न्यूयॉर्क के सीईओ अरविंद मणिवन्नम और सत्यनारायण के बेटे और प्रबंध निदेशक श्रीकांत अधिकारी से मिलते हैं। दोनों का ये भी दावा है कि मोनिका ने उनकी गर्भावस्था के साथ उन्हें ब्लैकमेल किया था। वे तीनों मोनिका की हत्या करने की योजना बनाई है जिसमें श्रीकांत उसकी हत्या कर देता है, अजयंत शरीर को ले जाता है और अरविंद शरीर का निपटन करता है। अरविंद और जयंत की अंतिम समय ही ने योजना से बाहर होने की स्थिति में श्रीकांत ने उनसे एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाया। जब तक अरविंद और जयंत शरीर का जंगल में फंसने की कोशिश करते हुए एक तुरंत का सामना नहीं करते हैं तब तक ये योजना पटरी पर नहीं रहती है और उन्हें भागना पड़ता है। अगले दिन अरविंद और जयंत ये देखकर चौंक जाते हैं कि मोनिका अभी भी जीवित है। वे वन्य जीव फोटोग्राफी ने जंगल में पड़े शरीर की खोज की जो निशिकांत का निकला। पुलिस ये के एसीपी नायडू यूनिकॉर्न पॉलियर्स में मौत की जांच शुरू करते हैं, जबकि अरविंद और जयंत दोनों को शक है कि मोनिका ही है जिसने निशिकांत की हत्या की। अरविंद की बाद अपने घर पर एक जहरीले सांप मिला जिससे उसकी मौत हो गई। जयंत की एक समान पार्सल प्राप्त होता है लेकिन ये वो भागने में सफल हो जाता है और अपने अनुबंध की एक तस्वीर के साथ एक ट्रैक्टर संदेह प्राप्त करता है। जयंत पाठ के निर्देशों का पालन करता है और अनुबंध को प्रमो प्राप्त करने के लिए क्षण पर जाता है, लेकिन गौरव जयंत दोस्त और होने वाला था साला उसे पीछे से धक्का दे देता है। वो जीवित रहता है और अनुबंध प्राप्त करने का प्रबंध करता है केवल ये पता लगाने के लिए कि ये एक फोटोग्राफी है। जयंत मोनिका के घर जाता है जहाँ वो उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ के बाद जुड़ू रुक जाता है। मोनिका उसे बताती है कि उसने निशिकांत या अरविंद को नहीं मारा और लगता है कि कातिल कौन है इसका पता लगा लिया है। इससे पहले कि वो जयंत को बता पाती वो सांप के जहर से मर जाती है जिसे उसकी शराब में मिला दिया जाता है। बाद में जयंत को पता चलता है कि देव की मौत की आंतरिक जांच में जयंत की दोषपूर्ण रोबोट तकनीक को दोषी ठहराया गया था लेकिन सत्यनारायण ने उसे कवर किया है और फरीदी की निकल लिया। जब जयंत माफी मांगने के लिए फरीदी के मिलता है तो फरीदी और जेर लेकर कहते हैं कि देव दुर्घटना से नहीं मारा गया था बल्कि रोबोट की नियंत्रण से मैनुअल ओवरराइड द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। देव को मारने वाले रोबोट के मैनुअल एक्सेस लॉक की जांच करने के लिए जयंत और गौरव एक साथ न्यूयॉर्क फैक्ट्री जाते हैं। जयंत को पता चलता है कि गौरव ने कहीं देव की हत्या करी थी क्योंकि वो जयंत की बहुत सालों से प्यार करता था और गौरव रोबोट से जयंत पर हमला करता है। लड़ाई के दौरान गौरव ने निशिकांत और अरविंद के मारने की बात कबूल की लेकिन मोनिका की नहीं। निशिकांत ने गौरव द्वारा देव की हत्या के देख और गौरव को अपने सेवक के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया लेकिन जब निशिकांत ने गौरव से मोनिका की हत्या करने के लिए कहा या वो उसे सालू के सामने उजागर करेगा तो उसने निशि की हत्या कर दी और बाद में जयंत को मारने
सहित घर की साफ सफाई के लिए निकल पाए। कुछ संघर्ष के बाद जयंत अंत में उसके घड़ी के साथ रोबोट के निर्णायित करने में सक्षम हो जाता है और अंतरात्मा के गौरव को मार डालता है। बाद में नायडू ने एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि मोनिका का हत्यारा उनके जन्म अजन्मे बच्चे का पिता तमन्ना राठा है आना है, जिसने मोनिका की हत्या के अवधारणा वेद के कारण आत्महत्या कर ली है। मोनिका के लिए प्रार्थना समारोह के दौरान नायडू ने जयंत को बताया कि मोनिका के बच्चे का वास्तविक पिता सत्यनारायण था। उसने सत्यनारायण को ब्लैकमेल करना शुरू करने के बाद तमन्ना जहर मोनिका की शराब पी ली और फिर से उसे चुप कराने के लिए नायडू ने तमन्ना की हत्या कर दी। जयंत बाद में मूल अनुबंध को पुनः प्राप्त करने के लिए गौरव के घर जाता है, लेकिन जैसे ही वो कागज को खोजता है और उसे जला देता है, वो उन सांपों से घिर जाता है और जिन्हें गौरव ने चुरा लिया था, और स्क्रीन काली हो जाती है, जिससे उसका भाग्य अनजान रह जाता है। डाला राजकुमार राव जयंत जय हरगेकर उर्फ जॉनी के रूप में, हमा कुरैशी मोनिका चाडो के रूप में, राधिका आप्टे एसीपी, विजय शांति नायडू के रूप में, निशिकांत अधिकारी के रूप में, सिकंदर दुखेर निक्की अधिकारी के रूप में, अखंड रंजन कपूर, भगवती रेमलू, अरविंद भनीपन्नम के रूप में, सत्यनारायण अधिकारी के रूप में, विजय केनकर, गौरव मौर्य के रूप में, सुकांत गोयल, शालू वर्तक के रूप में, जैन मोरिज खान, तमन्ना खराना के रूप में, शिव रिंगानी, शिव चौहान, देव प्रकाश के रूप में, फैजल शहीद, फरीदी बैग के रूप में, राधिका मदान स्पूकी के रूप में, अतिथि उपस्थिति सूर्य के रूप में, अभिमन्यु दशानी अतिथि उपस्थिति। फिल्म के आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। उन्होंने फिल्म के निर्देशक कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से राजकुमार राव और उमा कुरैशी दृश्य शैली हास्य पृष्ठभूमि स्कोर और हिंदी सिनेमा से पुरानी अपराध फिल्मों के लिए श्रद्धांजलि की प्रशंसा की, लेकिन कुछ आलोचकों ने फिल्म की आलोचना की। अगला हिस्सा इंडिया टुडे की जिनिया उपाध्याय ने फिल्म को 5 में से 4 सितारे दिए और लिखा, फिल्म के प्रेम सुंदर, ये आपको बस रुकने और उन्हें बार बार देखने पर मजबूर कर दे और पृष्ठभूमि संगीत कथा के प्रभाव को बढ़ाता है, इसीलिए फिल्म के समाप्त होने के काफ़ी समय बाद भी ये आपके दिलों में बना रहेगा। फास्ट वर्ड में हेना एम एस बोडीकर ने फिल्म को अभिनय और संगीत की प्रशंसा की, लेकिन अभी समूहवाद के प्रतिनिधित्व की आलोचना करते हुए कहा, यह परेशान करने वाला, हालांकि सोच रखने वाले लोगों ने लापरवाही से इस स्क्रिप्ट में मोनिका मचारो के एक कार्यालय कर्मचारी के रूप में एक कैबरे डांसर में रूप में दोहराए हुए लिखा, और ये भी उस पुराने रूढ़िवादियों से भारत के ईसाई अल्पसंख्यकों को जो नुकसान हुआ है उसे पहचानने के बिना 1980 के दशक की हिंदी फिल्म के ईसाई महिलाओं के चित्रण के पुनर्स्थापन द इंडियन एक्सप्रेस ने फिल्म को एक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और घोषित किया, आराम से बॉलीवुड ठीक चल रहा है, आप सही जगह पर नहीं देख रहे हैं। एनडीटीवी के सिविल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 4 सितारे दिए और इसे कहा कि एक चुनिंदा मौका है जहाँ चतुराई से गुलदी एक कीमती सिनेमाई मौत के बदले में देता है, सक्षम में ये एक ना भूलने वाला चमत्कार है। द वीक्स ने प्रतीक्षा मिश्रा ने 5 में से 3 स्टार दिया, लिखा, सक्षम में मोनिका को माई डार्लिंग एक दिलचस्प कहानी है जो एक स्वादिष्ट गुलाटी ब्रह्मांड में एक महान कलाकारों के साथ सेट है, एक सख्त संपादन और एक अधिक कहानी के साथ फिल्म नीचे रखना लगभग असंभव होता है, लेकिन जैसा ये खड़ा है ये एक मजेदार घड़ी है। कहानी जब एक युवा आईटी पेशेवर एक अवैध कार्यालय के चक्कर से बाहर निकालने की कोशिश करता है तो चीज़ें बुरी तरह से गलत हो जाती हैं। क्या वो अपना नाम साफ कर पाएगा और ये इस जानलेवा गंदगी से भेदेगा निकल पाएगा। समीक्षी अप्रत्याशित एक दिग्गतुवाद योग थ्रिलर बनाने की महत्वपूर्ण सामग्री में से एक है। दर्शक हमेशा अनुमान लगाते हैं कि आगे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। निर्देश भाषण वाला मर्द की दर्द नहीं होता है फेक और उनके लेखन योगी चंद्रकांत के अधिकांश भाग के लिए उस पहलू को सही मानते हैं, लेकिन वे समान रूप से आकर्षक कथानक बनाने की उसके निष्पर्श के चुके जाने हैं। कहानी काफ़ी हद तक एक प्रतिभाशाली रोबोटिक्स विशेषज्ञ जयंतु राजकुमार राव के कार्यों पर केंद्रित है, जिसके अपने संगठन में कार्यरत सीरी की चतुराई से बढ़ाया है। कंपनी की CIO का भरोसा और अपनी बेटी के प्यार से उन्हें एक अच्छा पद और मोटी
खतरनाक दिलाई है, लेकिन उनकी सफलता ने उन्हें दुश्मनों और उम्मीदियों की काबर संख्या भी दी है। इन शुष्क के बीच उन ऑफिस की सबसे हॉट लड़की मेनिका हुमा कुरैशी के साथ यौन संबंध बनाते हैं, जो अपने कार्यस्थल पर कई पुरुषों के साथ संबंध बनाने के लिए कुख्यात है, लेकिन उसका लालच उस पर हावी हो जाता है और एक शैतानी योजना शुरू कर जाती है जो जल्द ही नियंत्रण से बाहर हो जाती है और लाशों का ढेर लगाना शुरू कर जाता है। गीत पिया तू अब तो आजा से लिया गया है, ये 11 नवंबर 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। कोंडा कारखाने में एक रात की होली के दौरान देव प्रकाश ने अपने दोस्त गौरव को सूचित किया कि उसने सालू से शादी का प्रस्ताव रखा है और उसने स्वीकार कर लिया है। उसके तुरंत बाद कंपनी का रोबोट देव पर हमला करता है और उसे मार डालता है। हमला एक दुर्घटना के रूप में बंद कर दिया गया है और जबकि सुरक्षा अधिकारी फरीदी बेग को कंपनी से निकाल दिया गया है। 6 महीने बाद यूनिकॉर्न की 50वीं वर्षगांठ पर जयंत अर्खेड़ेकर को कंपनी के निदेशक मंडल में पदोन्नत किया गया। उन्होंने सीआईओ सत्यनारायण अधिकारी की बेटी किनकी अधिकारी से भी सगाई की है। समारोह के बाद उनकी कंपनी की सुचित मोनिका मचाड़ो के साथ संबंध होगा दिखाया गया है। मोनिका जयंत को बताता है कि वो अपने बच्चों के गर्भवती है और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में जयंतों की उसकी और मोनिका की तस्वीरों के साथ एक पत्र मिलता है जिससे उसे एक होटल में जाने के लिए कहा जाता है। होटल में वो न्यूयॉर्क के सीईओ अरविंद मणिवन्नम और सत्यनारायण के बेटे और प्रबंध निदेशक श्रीकांत अधिकारी से मिलते हैं। दोनों का ये भी दावा है कि मोनिका ने उनकी गर्भावस्था के साथ उन्हें ब्लैकमेल किया था। वे तीनों मोनिका की हत्या करने की योजना बनाई है जिसमें श्रीकांत उसकी हत्या कर देता है। अजयंत शरीर को ले जाता है और अरविंद शरीर का निपटन करता है। अरविंद और जयंत की अंतिम समय ही में योजना से बाहर होने की स्थिति में श्रीकांत ने उनसे एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाया। जब तक अरविंद और जयंत शरीर का जंगल में फंसने की कोशिश करते हुए एक तुरंत का सामना नहीं करते हैं तब तक ये योजना पटरी पर नहीं रहती है और उन्हें भागना पड़ता है। अगले दिन अरविंद और जयंत ये देखकर चौंक जाते हैं कि मोनिका अभी भी जीवित है। वे वन्यजीव फोटोग्राफी ने जंगल में पड़े शरीर की खोज की जो निशिकांत का निकला। पुलिस ये के एसीपी नायडू यूनिकॉर्न फॉलोअर्स में मौत की जांच शुरू करते हैं, जबकि अरविंद और जयंत दोनों को शक है कि मोनिका ही है जिसने निशिकांत की हत्या की। अरविंद की बाद अपने घर पर एक जहरीले सांप मिला जिससे उसकी मौत हो गई। जयंत की एक समान पार्सल प्राप्त होता है लेकिन ये वो भागने में सफल हो जाता है और अपने अनुबंध की एक तस्वीर के साथ एक ट्रैक्टर संदेह प्राप्त करता है। जयंत पाठ के निर्देशों का पालन करता है और अनुबंध को प्रमो प्राप्त करने के लिए क्षण पर जाता है, लेकिन गौरव जयंत के दोस्त और होने वाला था साला उसे पीछे से धक्का दे देता है। वो जीवित रहता है और अनुबंध प्राप्त करने का प्रबंध करता है केवल ये पता लगाने के लिए कि ये एक फोटोग्राफी है। जयंत मोनिका के घर जाता है जहाँ वो उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन अंतरात्मा की आवाज के बाद रुक जाता है। मोनिका उसे बताती है कि उसने निशिकांत या अरविंद को नहीं मारा और लगता है कि कातिल कौन है इसका पता लगा लिया है। इससे पहले कि वो जयंत को बता पाती वो सांप के जहर से मर जाती है जिसे उसकी शराब में मिला दिया जाता है। बाद में जयंत को पता चलता है कि देव की मौत की आंतरिक जांच में जयंत की दोषपूर्ण रोबोट तकनीक को दोषी ठहराया गया था लेकिन सत्यनारायण ने उसे कवर किया है और फरीदी की निकल लिया। जब जयंत माफी मांगने के लिए फरीदी के मिलता है तो फरीदी और जेर लेकर कहते हैं कि देव दुर्घटना से नहीं मारा गया था बल्कि रोबोट की नियंत्रण से मैनुअल ओवरराइड द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। देव को मारने वाले रोबोट के मैनुअल एक्सेस लॉक की जांच करने के लिए जयंत और गौरव एक साथ न्यूयॉर्क फैक्ट्री जाते हैं। जयंत को पता चलता है कि गौरव ने कहीं देव की हत्या करी थी क्योंकि वो जयंत की बहुत सालों से प्यार करता था और गौरव रोबोट से जयंत पर हमला करता है। लड़ाई के दौरान गौरव ने निशिकांत और अरविंद के मारने की बात कबूल की लेकिन मोनिका की नहीं। निशिकांत ने गौरव द्वारा देव की हत्या के देख और गौरव को अपने सेवक के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया लेकिन जब निशिकांत ने गौरव से मोनिका की हत्या करने के लिए कहा या वो उसे सालू के सामने उजागर करेगा तो उसने निशी की हत्या कर दी और बाद में जयंत को मारने सहित घर की साफ सफाई के लिए निकल पा रहे
कुछ संघर्ष के बाद जयंत अंत में उसके घड़ी के साथ रोबोट के निर्णायित करने में सक्षम हो जाता है और अंतरात्मा के गौरव को मार डालता है। बाद में नायडू ने एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि मोनिका का हत्यारा उनके जन्म अजन्मे बच्चे का पिता तमन्ना राठा है आना है, जिसमें मोनिका की हत्या के अवधारणा वेद के कारण आत्महत्या कर ली है। मोनिका के लिए प्रार्थना समारोह के दौरान नायडू ने जयंत को बताया कि मोनिका के बच्चे का वास्तविक पिता सत्यनारायण था। उसने सत्यनारायण को ब्लैकमेल करना शुरू करके बाद तमन्ना जहर मोनिका की शराब पी ली और फिर से उसे चुप कराने के लिए नायडू ने तमन्ना की हत्या कर दी। जयंत बाद में मूल अनुबंध को पुनः प्राप्त करने के लिए गौरव के घर जाता है, लेकिन जैसे ही वो कागज को खोजता है और उसे जला देता है, वो उन सांपों से घिर जाता है और जिन्हें गौरव ने चुरा लिया था, और स्क्रीन काली हो जाती है जिससे उसका भाग्य अनजान रह जाता है। डाला राजकुमार राव जयंत जय अरगेकर उर्फ जॉनी के रूप में, हमा कुरेशी मोनिका मचाडो के रूप में, आधिका आपते एसीपी विजय शांति नायडू के रूप में, निशिकांत अधिकारी के रूप में, सिकंदर दुखेर निक्की अधिकारी के रूप में, अखंड रंजन कपूर भगवती रेमलु अरविंद भनीपन्नम के रूप में, सत्यनारायण अधिकारी के रूप में, विजय केनकर गौरव मौर्य के रूप में, सुकांत गोयल शालू कर्तक के रूप में, जैन मोरिज खान तमन्ना खराना के रूप में, शिव रिंगानी शिव चौहान देव प्रकाश के रूप में, फैजल शहीद फरीदी बैग के रूप में, राधिका मदान पुष्पी के रूप में, अतिथि उपस्थिति सूर्य के रूप में, अभिमन्यु दशानी अतिथि उपस्थिति। फिल्म के आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। उन्होंने फिल्म के निर्देशक कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से राजकुमार राव और उमा कुरैशी दृश्य शैली हास्य पृष्ठभूमि स्कोर और हिंदी सिनेमा से पुरानी अपराध फिल्मों के लिए श्रद्धांजलि की प्रशंसा की, लेकिन कुछ आलोचकों ने फिल्म की आलोचना की। अगला हिस्सा इंडिया टुडे की जीनिया तो उपाध्याय ने फिल्म को 5 में से 4 सितारे दिए और लिखा, फिल्म के प्रेम सुंदर, ये आपको बस रुकने और उन्हें बार बार देखने पर मजबूर कर दे और पृष्ठभूमि संगीत कथा के प्रभाव को बढ़ाता है, इसीलिए फिल्म के समाप्त होने के काफ़ी समय बाद भी ये आपके दिलों में बना रहेगा। फास्ट वर्ड में एना एमएस वोडिकट ने फिल्म को अभिनय और संगीत की प्रशंसा की, लेकिन अभी समूहवाद के प्रतिनिधित्व की आलोचना करते हुए कहा, यह परेशान करने वाला, हालांकि सोच रखने वाले लोगों ने लापरवाही से इस स्क्रिप्ट में मोनिका मचारो के एक कार्यालय कर्मचारी के रूप में एक कैबरे डांसर में रूप में दोहराए हुए लिखा, और ये भी उस पुराने रूढ़िवादियों से भारत के ईसाई अल्पसंख्यकों को जो नुकसान हुआ है उसे पहचानने के बिना 1980 के दशक की हिंदी फिल्म के ईसाई महिलाओं के चित्रण के पुनर्स्थापन द इंडियन एक्सप्रेस ने फिल्म को एक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और घोषित किया, आराम से बॉलीवुड ठीक चल रहा है, आप सही जगह पर नहीं देख रहे हैं। एनडीटीवी के सिविल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 4 सितारे दिए और इसे कहा कि एक चौसीदा मौकम कहा है जहाँ चतुराई से गुलदी एक कीमती सिनेमाई मौतों के बदले में देता है, सक्षम में ये एक ना भूलने वाला चमत्कार है। द वीक्स ने प्रतीक्षा मिश्रा ने 5 में से 3 स्टार दिया, लिखा सक्षम में मोनिका को माई डार्लिंग एक दिलचस्प कहानी है जो एक स्वादिष्ट बुलेटी ब्रह्मांड में एक महान कलाकारों के साथ सेट है, एक सख्त संपादन और एक अधिक कहानी के साथ फिल्म नीचे रखना लगभग असंभव होता है, लेकिन जैसा ये खड़ा है ये एक मजेदार घड़ी है। कहानी जब एक युवा आईटी पेशेवर एक अवैध कार्यालय के चक्कर से बाहर निकालने की कोशिश करता है तो चीज़ें बुरी तरह से गलत हो जाती है, क्या वो अपना नाम साफ कर पाएगा और ये इस जानलेवा गंदगी से बेदेगा निकल पाएगा। समीक्षी अप्रत्याशित एक द्विघातुक योग्य थ्रिलर बनाने की महत्वपूर्ण सामग्री में से एक है, दर्शक हमेशा अनुमान लगाते हैं कि आगे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। निर्देश भाषण वाला मर्द की दर्द नहीं होता है फेक और उनके लेखन योगेशी चंद्रकांत के अधिकांश भाग के लिए उस पहलू को सही मानते हैं, लेकिन वे समान रूप से आकर्षक कथानक बनाने की उसके निष्पर्श के चुके जाने हैं। कहानी काफ़ी हद तक एक प्रतिभाशाली रोबोटिक्स विशेषज्ञ जयंतु राजकुमार राव के कार्यों पर केंद्रित है, जिसके अपने संगठन में कार्यरत सीरी की चतुराई से बढ़ाया है। कंपनी की CIO का भरोसा और अपनी बेटी के प्यार से उन्हें एक अच्छा पद और मोटी
खतरनाक दिलाई है, लेकिन उनकी सफलता ने उन्हें दुश्मनों और उम्मीदियों की कारोबार संख्या भी दी है। इन सबके बीच उन ऑफिस की सबसे हॉट लड़की मेनिका हुमा कुरैशी के साथ यौन संबंध बना था, जो अपने कार्यस्थल पर कई पुरुषों के साथ संबंध बनाने के लिए कुख्यात है, लेकिन उसका लालच उस पर हावी हो जाता है और एक शैतानी योजना शुरू कर जाती है जो जल्द ही नियंत्रण से बाहर हो जाती है और लाशों का ढेर लगाना शुरू कर जाता है। गीत पिया तू अब तो आजा से लिया गया है, ये 11 नवंबर 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। कोंडा कारखाने में एक रात की होली के दौरान देव प्रकाश ने अपने दोस्त गौरव को सूचित किया कि उसने सालू से शादी का प्रस्ताव रखा है और उसने स्वीकार कर लिया है। उसके तुरंत बाद कंपनी का रोबोट देव पर हमला करता है और उसे मार डालता है। हमला एक दुर्घटना के रूप में बंद कर दिया गया है और जबकि सुरक्षा अधिकारी फरीदी बेग को कंपनी से निकाल दिया गया है। 6 महीने बाद यूनिकॉर्न की 50वीं पर जयंत अर्खेड़ेकर को कंपनी के निर्देशक मंडल में पदोन्नत किया गया। उन्होंने सीआईओ सत्यनारायण अधिकारी की बेटी किनकी अधिकारी से भी सगाई की है। समारोह के बाद उनकी कंपनी की सूचित मोनिका मुचाड़ो के साथ संबंध होगा दिखाया गया है। मोनिका जयंत को बताता है कि वो अपने बच्चों के गर्भवती है और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में जयंतों की उसकी और मोनिका की तस्वीरों के साथ एक पत्र मिलता है जिससे उसे एक होटल में जाने के लिए कहा जाता है। होटल में वो न्यूयॉर्क के सीईओ अरविंद मणिवन्नम और सत्यनारायण के बेटे और प्रबंध निदेशक श्रीकांत अधिकारी से मिलते हैं। दोनों का ये भी दावा है कि मोनिका ने उनकी गर्भावस्था के साथ उन्हें ब्लैकमेल किया था। वे तीनों मोनिका की हत्या करने की योजना बनाई है जिसमें श्रीकांत उसकी हत्या कर देता है, अजयंत शरीर को ले जाता है और अरविंद शरीर का निपटन करता है। अरविंद और जयंत की अंतिम समय ही में योजना से बाहर होने की स्थिति में श्रीकांत ने उनसे एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाया। जब तक अरविंद और जयंत शरीर का जंगल में फंसने की कोशिश करते हुए एक तुरंत का सामना नहीं करते हैं तब तक ये योजना पटरी पर नहीं रहती है और उन्हें भागना पड़ता है। अगले दिन अरविंद और जयंत ये देखकर चौंक जाते हैं कि मोनिका अभी भी जीवित है। वन्य जीव फोटोग्राफी ने जंगल में पड़े शरीर की खोज की जो निशिकांत का निकला। पुलिस ये के एसीपी नायडू यूनिकॉर्न फॉलोअर्स में मौत की जांच शुरू करते हैं, जबकि अरविंद और जयंत दोनों को शक है कि मोनिका ही है जिसने निशिकांत की हत्या की। अरविंद की बाद अपने घर पर एक जहरीले सांप मिला जिससे उसकी मौत हो गई। जयंत की एक समान पार्सल प्राप्त होता है लेकिन ये वो भागने में सफल हो जाता है और अपने अनुबंध की एक तस्वीर के साथ एक ट्रैक्टर संदेह प्राप्त करता है। जयंत पाठ के निर्देशों का पालन करता है और अनुबंध को प्रमुख प्राप्त करने के लिए क्षण पर जाता है, लेकिन गौरव जयंत दोस्त और होने वाला था साला उसे पीछे से धक्का दे देता है। वो जीवित रहता है और अनुबंध प्राप्त करने का प्रबंध करता है केवल ये पता लगाने के लिए कि ये एक फोटोग्राफी है। जयंत मोनिका के घर जाता है जहाँ वो उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ के बाद जरूर रुक जाता है। मोनिका उसे बताती है कि उसने निशिकांत या अरविंद को नहीं मारा और लगता है कि कातिल कौन है इसका पता लगा लिया है। इससे पहले कि वो जयंत को बता पाती वो सांप के जहर से मर जाती है जिसे उसकी शराब में मिला दिया जाता है। बाद में जयंत को पता चलता है कि देव की मौत की आंतरिक जांच में जयंत की दोषपूर्ण रोबोट तकनीक को दोषी ठहराया गया था लेकिन सत्यनारायण ने उसे कवर किया है और फरीदी की निकल लिया। जब जयंत माफी मांगने के लिए फरीदी के मिलता है तो फरीदी और जेर लेकर कहते हैं कि देव दुर्घटना से नहीं मारा गया था बल्कि रोबोट की नियंत्रण से मैनुअल ओवरराइड द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। देव को मारने वाले रोबोट के मैनुअल एक्सेस लॉग की जांच करने के लिए जयंत और गौरव एक साथ न्यूयॉर्क फैक्ट्री जाते हैं। जयंत को पता चलता है कि गौरव ने कहीं देव की हत्या करी थी क्योंकि वो जयंत की बहुत सालों से प्यार करता था और गौरव रोबोट से जयंत पर हमला करता है। लड़ाई के दौरान गौरव ने निशिकांत और अरविंद के मारने की बात कबूल की लेकिन मोनिका की नहीं। निशिकांत ने गौरव द्वारा देव की हत्या के देखा और गौरव को अपने सेवक के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया लेकिन जब निशिकांत ने गौरव से मोनिका की हत्या करने के लिए कहा या वो उसे सालू के सामने उजागर करेगा तो उसने निशि की हत्या कर दी और बाद में जयंत को मारने सहित घर की साफ सफाई के लिए निकल पा रहे
कुछ संघर्ष के बाद जयंत अंत में उसके घड़ी के साथ रोबोट के निर्णायित करने में सक्षम हो जाता है और अंतरात्मा के गौरव को मार डालता है। बाद में नायडू ने एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि मोनिका का हत्यारा उनके जन्म अजन्मे बच्चे का पिता तमन्ना राठा है ना है, जिसने मोनिका की हत्या के अवधारणा वेद के कारण आत्महत्या कर ली है। मोनिका के लिए प्रार्थना समारोह के दौरान नायडू ने जयंत को बताया कि मोनिका के बच्चे का वास्तविक पिता सत्यनारायण था। उसने सत्यनारायण को ब्लैकमेल करना शुरू करने के बाद तमन्ना जहर मोनिका की शराब पी ली और फिर से उसे चुप कराने के लिए नायडू ने तमन्ना की हत्या कर दी। जयंत बाद में मूल अनुबंध को पुनः प्राप्त करने के लिए गौरव के घर जाता है, लेकिन जैसे ही वो कागज को खोजता है और उसे जला देता है, वो उन सांपों से घिर जाता है और जिन्हें गौरव ने चुरा लिया था, और स्क्रीन काली हो जाती है जिससे उसका भाग्य अनजान रह जाता है। डालना राजकुमार राव जयंत जय हरगेकर उर्फ जॉनी के रूप में, हमा कुलेसी मोनिका मचाडो के रूप में, राधिका आप्टे एसीपी विजय शांति नायडू के रूप में, निशिकांत अधिकारी के रूप में, सिकंदर दखेर निक्की अधिकारी के रूप में, अखंड रंजन कपूर भगवती रेमलू अरविंद भनीपन्नम के रूप में, सत्यनारायण अधिकारी के रूप में, विजय केनकर गौरव मौर्य के रूप में, सुकांत गोयल शालू कर्तक के रूप में, जैन मोरिज खान तमन्ना खराना के रूप में, शिव रिंगानी शिव चौहान देव प्रकाश के रूप में, फैजल शहीद फरीदी बैग के रूप में, राधिका मदान पुष्पी के रूप में, अतिथि उपस्थिति सूर्य के रूप में, अभिमन्यु दशानी अतिथि उपस्थिति। फिल्म के आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। उन्होंने फिल्म के निर्देशक कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से राजकुमार राव और मुकुरेची दृश्य शैली हास्य पृष्ठभूमि स्कोर और हिंदी सिनेमा से पुरानी अपराध फिल्मों के लिए श्रद्धांजलि की प्रशंसा की, लेकिन कुछ आलोचकों ने फिल्म की आलोचना की। अगला हिस्सा इंडिया टुडे की जिनिया उपाध्याय ने फिल्म को 5 में से 4 सितारे दिए और लिखा, फिल्म के प्रेम सुंदर, ये आपको बस रुकने और उन्हें बार बार देखने पर मजबूर कर देगा और पृष्ठभूमि संगीत कथा के प्रभाव को बढ़ाता है, इसीलिए फिल्म के समाप्त होने के काफ़ी समय बाद भी ये आपके दिलों में बना रहेगा। फास्ट वर्ड में एना एम एस बोडिकट ने फिल्म को अभिनय और संगीत की प्रशंसा की, लेकिन अभी समूहवाद के प्रतिनिधित्व की आलोचना करते हुए कहा, यह परेशान करने वाला, हालांकि सोच रखने वाले लोगों ने लापरवाही से इस स्क्रिप्ट में मोनिका मचारो के एक कार्यालय कर्मचारी के रूप में एक कैबरे डांसर में रूप में दोहराए हुए लिखा, और ये भी उस पुराने रूढ़िवादियों से भारत के ईसाई अल्पसंख्यकों को जो नुकसान हुआ है उसे पहचानने के बिना 1980 के दशक हिंदी फिल्म के ईसाई महिलाओं के चित्रण के पुनर्स्थापन द इंडियन एक्सप्रेस ने फिल्म को एक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और घोषित किया, आराम से बॉलीवुड ठीक चल रहा है, आप सही जगह पर नहीं देख रहे हैं। एनडीटीवी के सुनील चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 4 सितारे दिए और इसे कहा कि एक चर्चीदा मौकम कहा है जहाँ चतुराई से गुलदी एक कीमती सिनेमाई मौतों के बदले में देता है, सक्षम में ये एक ना भूलने वाला चमत्कार है। द वीक्स ने प्रतीक्षा मिर्जा ने 5 में से 3 स्टार दिया और लिखा, सक्षम में मोनिका को माई डार्लिंग एक दिलचस्प कहानी है जो एक स्वादिष्ट गुलाटी ब्रह्मास्त्र नांद में एक महान कलाकारों के साथ सेट है। एक सख्त संपादन और एक अधिक संस्कृत के साथ फिल्म नीचे रखना लगभग असंभव होता है, लेकिन जैसा है ये खड़ा है, ये एक मजेदार घड़ी है। कहानी जब एक युवा आईटी पेशेवर एक अवैध कार्यालय के चक्कर से बाहर निकालने की कोशिश करता है तो चीज़ें बुरी तरह से गलत हो जाती है। क्या वो अपना नाम साफ कर पाएगा और ये इस जानलेवा गंदगी से भेदेगा निकल पाएगा? समीक्षी अप्रत्याशित एक दिगतुवाद योग्य थ्रिलर बनाने की महत्वपूर्ण सामग्री में से एक है। दर्शक हमेशा अनुमान लगाते हैं कि आगे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। निर्देश भाषण वाला मर्द की दर्द नहीं होता है फेक और उनके लेखन योगेश चंद्रकांत के अधिकांश भाग के लिए उस पहलू को सही मानते हैं, लेकिन वे समान रूप से आकर्षक कथानक बनाने की उसके निष्पर्श के चुके जाने हैं। कहानी काफी हद तक एक प्रतिभाशाली रोबोटिक्स विशेषज्ञ जयंतु राजकुमार राव के कार्यों पर केंद्रित है, जिसके अपने संगठन में कार्यरत सीरी की चतुराई से बढ़ाया है। कंपनी की CIO का भरोसा और अपनी बेटी के प्यार से उन्हें एक अच्छा पद और मोटी
खतरनाक दिलाई है, लेकिन उनकी सफलता ने उन्हें दुश्मनों और उन दिनों की कारोबार संख्या भी दी है। इन सबके बीच उन ऑफिस की सबसे हॉट लड़की मेनिका हुमा कुरैशी के साथ यौन संबंध बनाते हैं, जो अपने कार्यस्थल पर कई पुरुषों के साथ संबंध बनाने के लिए कुख्यात है, लेकिन उसका लालच उस पर हावी हो जाता है और एक शैतानी योजना शुरू कर जाती है जो जल्द ही नियंत्रण से बाहर हो जाती है और लाशों का ढेर लगाना शुरू कर जाता है। गीत पिया तू अब तो आजा से लिया गया है। ये 11 नवंबर 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। कोंडा कारखाने में एक रात की होली के दौरान देव प्रकाश ने अपने दोस्त गौरव को सूचित किया कि उसने सालू से शादी का प्रस्ताव रखा है और उसने स्वीकार कर लिया है। उसके तुरंत बाद कंपनी का रोबोट देव पर हमला करता है और उसे मार डालता है। हमला एक दुर्घटना के रूप में बंद कर दिया गया है और जबकि सुरक्षा अधिकारी परिधि बेग को कंपनी से निकाल दिया गया है। 6 महीने बाद यूनिकॉर्न की 50वीं वर्ष पर जयंत अर्खेड़ेकर को कंपनी के निदेशक मंडल में पदोन्नत किया गया। उन्होंने सीईओ सत्यनारायण अधिकारी की बेटी किनकी अधिकारी से भी सगाई की है। समारोह के बाद उनकी कंपनी की सुचित मोनिका मचाड़ो के साथ संबंध होगा दिखाया गया है। मोनिका जयंत को बताता है कि वो अपने बच्चों के गर्भवती है और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में जयंतों की उसकी और मोनिका की तस्वीरों के साथ एक पत्र मिलता जिससे उसे एक होटल में जाने के लिए कहा जाता है। होटल में वो न्यूयॉर्क के सीईओ अरविंद मणिवन्नम और सत्यनारायण के बेटे और प्रबंध निदेशक श्रीकांत अधिकारी से मिलते हैं। दोनों का ये भी दावा है कि मोनिका ने उनकी गर्भावस्था के साथ उन्हें ब्लैकमेल किया था। वे तीनों मोनिका की हत्या करने की योजना बनाई है जिसमें श्रीकांत उसकी हत्या कर देता है। अजयंत शरीर को ले जाता है और अरविंद शरीर का निपटन करता है। अरविंद और जयंत की अंतिम समय ही में योजना से बाहर होने की स्थिति में श्रीकांत ने उनसे एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाया। जब तक अरविंद और जयंत शरीर का जंगल में फंसने की कोशिश करते हुए एक तुरंत का सामना नहीं करते हैं तब तक ये योजना पटरी पर नहीं रहती है और उन्हें भागना पड़ता है। अगले दिन अरविंद और जयंत ये देखकर चौंक जाते हैं कि मोनिका अभी भी जीवित है। वन्यजीव फोटोग्राफी ने जंगल में पड़े शरीर की खोज की जो निशिकांत का निकला। पुलिस ये के एसीपी नायडू यूनिकॉर्न फॉलोअर्स में मौत की जांच शुरू करते हैं, जबकि अरविंद और जयंत दोनों को शक है कि मोनिका ही है जिसने निशिकांत की हत्या की। अरविंद की बाद अपने घर पर एक जहरीले सांप मिला जिससे उसकी मौत हो गई। जयंत की एक समान पार्सल प्राप्त होता है लेकिन ये वो भागने में सफल हो जाता है और अपने अनुबंध की एक तस्वीर के साथ एक ट्रैक्टर संदेह प्राप्त करता है। जयंत पाठ के निर्देशों का पालन करता है और अनुबंध को प्रमो प्राप्त करने के लिए क्षण पर जाता है, लेकिन गौरव जयंत दोस्त और होने वाला था साला उसे पीछे से धक्का दे देता है। वो जीवित रहता है और अनुबंध प्राप्त करने का प्रबंध करता है केवल ये पता लगाने के लिए कि ये एक फोटोग्राफी है। जयंत मोनिका के घर जाता है जहाँ वो उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन अंतरात्मा की आवाज के बाद रुक जाता है। मोनिका उसे बताती है कि उसने निशिकांत या अरविंद को नहीं मारा और लगता है कि कातिल कौन है इसका पता लगा लिया है। इससे पहले कि वो जयंत को बता पाती वो सांप के जहर से मर जाती है जिसे उसकी शराब में मिला दिया जाता है। बाद में जयंत को पता चलता है कि देव की मौत की आंतरिक जांच में जयंत की दोषपूर्ण रोबोट तकनीक को दोषी ठहराया गया था लेकिन सत्यनारायण ने उसे कवर किया है और फरीदी की निकल लिया। जब जयंत माफी मांगने के लिए फरीदी के मिलता है तो फरीदी और जेर लेकर कहते हैं कि देव दुर्घटना से नहीं मारा गया था बल्कि रोबोट की नियंत्रण से मैनुअल ओवरराइड द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। देव को मारने वाले रोबोट के मैनुअल एक्सेस लॉक की जांच करने के लिए जयंत और गौरव एक साथ न्यूयॉर्क फैक्ट्री जाते हैं। जयंत को पता चलता है कि गौरव ने कहीं देव की हत्या करी थी क्योंकि वो जयंत की बहुत सालों से प्यार करता था और गौरव रोबोट से जयंत पर हमला करता है। लड़ाई के दौरान गौरव ने निशिकांत और अरविंद के मारने की बात कबूल की लेकिन मोनिका की नहीं। निशिकांत ने गौरव द्वारा देव की हत्या के देखा और गौरव को अपने सेवक के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया लेकिन जब निशिकांत ने गौरव से मोनिका की हत्या करने के लिए कहा या वो उसे सालू के सामने उजागर करेगा तो उसने निशि की हत्या कर दी और बाद में जयंत को मारने
सहित घर की साफ सफाई के लिए निकल पा रहे। कुछ संघर्ष के बाद जयंत अंत में उसके घड़ी के साथ रोबोट के निर्णायित करने में सक्षम हो जाता है और अंतरात्मा के गौरव को मार डालता है। बाद में नायडू ने एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि मोनिका का हत्यारा उनके जन्म अजन्म बच्चे का पिता तमन्ना राठा है थाना है, जिसने मोनिका की हत्या के अवधारणा वेद के कारण आत्महत्या कर ली है। मोनिका के लिए प्रार्थना समारोह के दौरान नायडू ने जयंत को बताया कि मोनिका के बच्चे का वास्तविक पिता सत्यनारायण था। उसने सत्यनारायण को ब्लैकमेल करना शुरू करने के बाद तमन्ना जहर मोनिका की शराब पी ली और फिर से उसे चुप कराने के लिए नायडू ने तमन्ना की हत्या कर दी। जयंत बाद में मूल अनुबंध को पुनः प्राप्त करने के लिए गौरव के घर जाता है, लेकिन जैसे ही वो कागज को खोजता है और उसे जला देता है, वो उन सांपों से घिर जाता है और जिन्हें गौरव ने चुरा लिया था, और स्क्रीन काली हो जाती है जिससे उसका भाग्य अनजान रह जाता है। डाला राजकुमार राव जयंत जय हरगेकर उर्फ जॉनी के रूप में, हमा कुलेसी मोनिका चाडो के रूप में, राधिका आपते एसीपी विजय शांति नायडू के रूप में, निशिकांत अधिकारी के रूप में, सिकंदर दुखेर निक्की अधिकारी के रूप में, अकांत रंजन कपूर भगवती रेमलु अरविंद भनीपन्नम के रूप में, सत्यनारायण अधिकारी के रूप में, विजय केनकर गौरव मौर्य के रूप में, सुकांत गोयल शालू कर्तक के रूप में, जैन मोरिज खान तमन्ना खराना के रूप में, शिव रिंगानी शिव चौहान देव प्रकाश के रूप में, फैजल शहीद फरीदी बैग के रूप में, राधिका मदान पुष्पी के रूप में, अतिथि उपस्थिति सूर्य के रूप में, अभिमन्यु दशानी अतिथि उपस्थिति। फिल्म के आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। उन्होंने फिल्म के निर्देशक कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से राजकुमार राव और उमा कुरैशी दृश्य शैली हास्य पृष्ठभूमि स्कोर और हिंदी सिनेमा से पुरानी अपराध फिल्मों के लिए श्रद्धांजलि की प्रशंसा की, लेकिन कुछ आलोचकों ने फिल्म की आलोचना की। अगला हिस्सा इंडिया टुडे की जीनिया उपाध्याय ने फिल्म को 5 में से 4 सितारे दिए और लिखा, फिल्म के प्रेम सुंदर, ये आपको बस रुकने और उन्हें बार बार देखने पर मजबूर कर दे और पृष्ठभूमि संगीत कथा के प्रभाव को बढ़ाता है, इसीलिए फिल्म के समाप्त होने के काफ़ी समय बाद भी ये आपके दिलों में बना रहेगा। फास्ट वर्ड में एम एस बॉडीकट ने फिल्म को अभिनय और संगीत की प्रशंसा की, लेकिन अभी समूहवाद के प्रतिनिधित्व की आलोचना करते हुए कहा, यह परेशान करने वाला, हालांकि सोच रखने वाले लोगों ने लापरवाही से इस स्क्रिप्ट में मोनिका मचारो के एक कार्यालय कर्मचारी के रूप में एक कैबरे डांसर में रूप में दोहराए हुए लिखा, और ये भी उस पुराने रूढ़िवादियों से भारत के ईसाई अल्पसंख्यकों को जो नुकसान हुआ है उसे पहचानने के बिना 1980 के दशक की हिंदी फिल्म के ईसाई महिलाओं के चित्रण के पुनर्स्थापन द इंडियन एक्सप्रेस ने फिल्म को एक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और घोषित किया, आराम से बॉलीवुड ठीक चल रहा है, आप सही जगह पर नहीं देख रहे हैं। NDTV के सिविल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 4 सितारे दिए और इसे कहा कि एक चौसीदा मौकम कहा है जहाँ चतुराई से गुलदी एक कीमती सिनेमाई मौतों के बदले में देता है, सक्षम में ये एक ना भूलने वाला चमत्कार है। द वीक्स ने प्रतीक्षा मिर्जा ने 5 में से 3 स्टार दिया, लिखा, सक्षम में मोनिका को गो माई डार्लिंग एक दिलचस्प कहानी है जो एक स्वादिष्ट बुलेटी ब्रह्मास्त्र बांध में एक महान कलाकारों के साथ सेट है, एक सख्त संपादन और एक अधिक कहानी के साथ फिल्म नीचे रखना लगभग असंभव होता है, लेकिन जैसा ये खड़ा है ये एक मजेदार घड़ी है। कहानी जब एक युवा IT पेशेवर एक अवैध कार्यालय के चक्कर से बाहर निकालने की कोशिश करता है तो चीज़ें बुरी तरह से गलत हो जाती हैं। क्या वो अपना नाम साफ कर पाएगा और ये इस जानलेवा गंदगी से भेदेगा निकल पाएगा। समीक्षी अप्रत्याशित एक दीर्घतुवाद योग्य थ्रिलर बनाने की महत्वपूर्ण सामग्री में से एक है। दर्शक हमेशा अनुमान लगाते हैं कि आगे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। निर्देश भाषण वाला मर्द की दर्द नहीं होता है फेक और उनके लेखन योगेश चंद्रकांत के अधिकांश भाग के लिए उस पहलू को सही मानते हैं, लेकिन वे समान रूप से आकर्षक कथानक बनाने की उसके निष्पर्श के चुके जाने हैं। कहानी काफी हद तक एक प्रतिभाशाली रोबोटिक्स विशेषज्ञ जयंतु राजकुमार राव के कार्यों पर केंद्रित है, जिसके अपने संगठन में कार्य रेट सीरी की चतुराई से बढ़ाया है। कंपनी की CIO का भरोसा और अपनी बेटी के प्यार से उन्हें एक अच्छा पद और मोटी
खतरनाक दिलाई है, लेकिन उनकी सफलता ने उन्हें दुश्मनों और उम्मीदियों की कारोबार संख्या भी दी है। इन सबके बीच उन ऑफिस की सबसे हॉट लड़की मेनिका हुमा कुरैशी के साथ यौन संबंध बना था, जो अपने कार्यस्थल पर कई पुरुषों के साथ संबंध बनाने के लिए कुख्यात है, लेकिन उसका लालच उस पर हावी हो जाता है और एक शैतानी योजना शुरू कर जाती है जो जल्द ही नियंत्रण से बाहर हो जाती है और लाशों का ढेर लगाना शुरू कर जाता है। गीत पिया तू अब तो आजा से लिया गया है, ये 11 नवंबर 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। होंडा कारखाने में एक रात की होली के दौरान देव प्रकाश ने अपने दोस्त गौरव को सूचित किया कि उसने सालू से शादी का प्रस्ताव रखा है और उसने स्वीकार कर लिया है। उसके तुरंत बाद कंपनी का रोबोट देव पर हमला करता है और उसे मार डालता है। हमला एक दुर्घटना के रूप में बंद कर दिया गया है और जबकि सुरक्षा अधिकारी परिधि बेग को कंपनी से निकाल दिया गया है। 6 महीने बाद यूनिकॉर्न की 50वीं वर्षगांठ पर जयंत अर्खेड़ेकर को कंपनी के निदेशक मंडल में पदोन्नत किया गया। उन्होंने सीईओ सत्यनारायण अधिकारी की बेटी किनकी अधिकारी से भी सगाई की है। समारोह के बाद उनकी कंपनी की सुचित मोनिका मचाड़ो के साथ संबंध होगा दिखाया गया है। मोनिका जयंत को बताता है कि वो अपने बच्चों के गर्भवती है और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में जयंतों की उसकी और मोनिका की तस्वीरों के साथ एक पत्र मिलता है जिससे उसे एक होटल में जाने के लिए कहा जाता है। होटल में वो न्यूयॉर्क के सीईओ अरविंद मणिवन्नम और सत्यनारायण के बेटे और प्रबंध निदेशक श्रीकांत अधिकारी से मिलते हैं। दोनों का ये भी दावा है कि मोनिका ने उनकी गर्भावस्था के साथ उन्हें ब्लैकमेल किया था। वे तीनों मोनिका की हत्या करने की योजना बनाई है जिसमें श्रीकांत उसकी हत्या कर देता है, अजयंत शरीर को ले जाता है और अरविंद शरीर का निपटन करता है। अरविंद और जयंत की अंतिम समय ही में योजना से बाहर होने की स्थिति में श्रीकांत ने उनसे एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाया। जब तक अरविंद और जयंत शरीर का जंगल में फंसने की कोशिश करते हुए एक तुरंत का सामना नहीं करते हैं तब तक ये योजना पटरी पर नहीं रहती है और उन्हें भागना पड़ता है। अगले दिन अरविंद और जयंत ये देखकर चौंक जाते हैं कि मोनिका अभी भी जीवित है। वे वन्य जीव फोटोग्राफी ने जंगल में पड़े शरीर की खोज की जो निशिकांत का निकला। पुलिस ये के एसीपी नायडू यूनिकॉर्न फॉलोअर्स में मौत की जांच शुरू करते हैं, जबकि अरविंद और जयंत दोनों को शक है कि मोनिका ही है जिसने निशिकांत की हत्या की। अरविंद की बाद अपने घर पर एक जहरीले सांप मिला जिससे उसकी मौत हो गई। जयंत की एक समान पार्सल प्राप्त होता है लेकिन ये वो भागने में सफल हो जाता है और अपने अनुबंध की एक तस्वीर के साथ एक ट्रैक्टर संदेह प्राप्त करता है। जयंत पाठ के निर्देशों का पालन करता है और अनुबंध को प्रमो प्राप्त करने के लिए क्षण पर जाता है, लेकिन गौरव जयंत दोस्त और होने वाला था साला उसे पीछे से धक्का दे देता है। वो जीवित रहता है और अनुबंध प्राप्त करने का प्रबंध करता है केवल ये पता लगाने के लिए कि ये एक फोटोग्राफी है। जयंत मोनिका के घर जाता है जहाँ वो उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ के बाद जरूर रुक जाता है। मोनिका उसे बताती है कि उसने निशिकांत या अरविंद को नहीं मारा और लगता है कि कातिल कौन है इसका पता लगा लिया है। इससे पहले कि वो जयंत को बता पाती वो सांप के जहर से मर जाती है जिसे उसकी शराब में मिला दिया जाता है। बाद में जयंत को पता चलता है कि देव की मौत की आंतरिक जांच में जयंत की दोषपूर्ण रोबोट तकनीक को दोषी ठहराया गया था लेकिन सत्यनारायण ने उसे कवर किया है और फरीदी की निकल लिया। जब जयंत माफी मांगने के लिए फरीदी के मिलता है तो फरीदी और जेर लेकर कहते हैं कि देव दुर्घटना से नहीं मारा गया था बल्कि रोबोट की नियंत्रण से मैनुअल ओवरराइड द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। देव को मारने वाले रोबोट के मैनुअल एक्सेस लॉग की जांच करने के लिए जयंत और गौरव एक साथ न्यूयॉर्क फैक्ट्री जाते हैं। जयंत को पता चलता है कि गौरव ने कहीं देव की हत्या करी थी क्योंकि वो जयंत की बहुत सालों से प्यार करता था और गौरव रोबोट से जयंत पर हमला करता है। लड़ाई के दौरान गौरव ने निशिकांत और अरविंद के मारने की बात कबूल की लेकिन मोनिका की नहीं। निशिकांत ने गौरव द्वारा देव की हत्या के देखा और गौरव को अपने सेवक के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया लेकिन जब निशिकांत ने गौरव से मोनिका की हत्या करने के लिए कहा या वो उसे सालू के सामने उजागर करेगा तो उसने निशि की हत्या कर दी और बाद में जयंत को मारने
सहित घर की साफ सफाई के लिए निकल पा रहे। कुछ संघर्ष के बाद जयंत अंत में उसके घड़ी के साथ रोबोट के निर्णायित करने में सक्षम हो जाता है और अंतरात्मा के गौरव को मार डालता है। बाद में नायडू ने एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि मोनिका का हत्यारा उनके अजन्म बच्चे का पिता तमन्ना राठा है थाना है, जिसने मोनिका की हत्या के अवधारणा वेद के कारण आत्महत्या कर ली है। मोनिका के लिए प्रार्थना समारोह के दौरान नायडू ने जयंत को बताया कि मोनिका के बच्चे का वास्तविक पिता सत्यनारायण था। उसने सत्यनारायण को ब्लैकमेल करना शुरू करने के बाद तमन्ना जहर मोनिका की शराब पी ली और फिर से उसे चुप कराने के लिए नायडू ने तमन्ना की हत्या कर दी। जयंत बाद में मूल अनुबंध को पुनः प्राप्त करने के लिए गौरव के घर जाता है, लेकिन जैसे ही वो कागज को खोजता है और उसे जला देता है, वो उन सांपों से घिर जाता है और जिन्हें गौरव ने चुरा लिया था, और स्क्रीन काली हो जाती है, जिससे उसका भाग्य अनजान रह जाता है। डालना राजकुमार राज जयंत जय अर्गलकर उर्फ जॉनी के रूप में, हमा कुरेशी मोनिका मचाडो के रूप में, आधिका आपते एसीपी विजय शांति नायडू के रूप में, निशिकांत अधिकारी के रूप में, सिकंदर दुखेर निक्की अधिकारी के रूप में, अकांत रंजन कपूर भगवती रेमलू, अरविंद भनीपन्नम के रूप में, सत्यनारायण अधिकारी के रूप में, विजय केनकर गौरव मौर्य के रूप में, सुकांत गोयल शालू कर्तक के रूप में, जैन मोरिज खान तमन्ना खराना के रूप में, शिव रिंगानी शिव चौहान देव प्रकाश के रूप में, फैजल सहित फरीदी बैग के रूप में, राधिका मदान रूपी के रूप में, अतिथि उपस्थिति सूर्य के रूप में, अभिमन्यु दशानी अतिथि उपस्थिति। फिल्म के आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। उन्होंने फिल्म के निर्देशक कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से राजकुमार राव और उमा कुरैशी दृश्य शैली हास्य पृष्ठभूमि स्कोर और हिंदी सिनेमा से पुरानी अपराध फिल्मों के लिए श्रद्धांजलि की प्रशंसा की, लेकिन कुछ आलोचकों ने फिल्म की आलोचना की। अगला हिस्सा इंडिया टुडे की जिनिया तो बधाई ने फिल्म को 5 में से 4 सितारे दिए और लिखा, फिल्म के फ्रेम सुंदर, ये आपको बस रुकने और उन्हें बार बार देखने पर मजबूर कर दे और पृष्ठभूमि संगीत कथा के प्रभाव को बढ़ाता है, इसीलिए फिल्म के समाप्त होने के काफ़ी समय बाद भी ये आपके दिलों में बना रहेगा। फास्ट वर्ड ने हेना एम एस वोडिकर्ट ने फिल्म को अभिनय और संगीत की प्रशंसा की, लेकिन अभी समूहवाद के प्रतिनिधित्व की आलोचना करते हुए कहा, यह परेशान करने वाला, हालांकि सोच रखने वाले लोगों ने लापरवाही से इस स्क्रिप्ट में मोनिका मचारो के एक कार्यालय कर्मचारी के रूप में एक कैबरे डांसर में रूप में दोहराए हुए लिखा, और ये भी उस पुराने रूढ़िवादियों से भारत के ईसाई अल्पसंख्यकों को जो नुकसान हुआ है उसे पहचानने के बिना 1980 के दशक हिंदी फिल्म के ईसाई महिलाओं के चित्रण के पुनर्स्थापन द इंडियन एक्सप्रेस ने फिल्म को एक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और घोषित किया, आराम से बॉलीवुड ठीक चल रहा है, आप सही जगह पर नहीं देख रहे हैं। एनडीटीवी के सिविल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 4 सितारे दिए और इसे कहा कि एक चुसीदा मौकम कहा है जहाँ चतुराई से गुलदी एक कीमती सिनेमाई मौतों के बदले में देता है, सक्षम में ये एक ना भूलने वाला चमत्कार है। द वीक्स ने प्रतीक्षा मिश्रा ने 5 में से 3 स्टार दिया और लिखा, सक्षम में मोनिका को माई डार्लिंग एक दिलचस्प कहानी है जो एक स्वादिष्ट गुलाटी ब्रह्मांड में एक महान कलाकारों के साथ सेट है, एक सख्त संपादन और एक अधिक संक्षिप्त कहानी के साथ फिल्म नीचे रखना लगभग असंभव होता है, लेकिन जैसा है ये खड़ा है, ये एक मजेदार घड़ी है। कहानी जब एक युवा आईटी पेशेवर एक अवैध कार्यालय के चक्कर से बाहर निकालने की कोशिश करता है तो चीज़ें बुरी तरह से गलत हो जाती है, क्या वो अपना नाम साफ कर पाएगा और ये इस जानलेवा गंदगी से बेदेगा निकल पाएगा। समीक्षी अप्रत्याशित एक दिग्गतुवाद योग थ्रिलर बनाने की महत्वपूर्ण सामग्री में से एक है, दर्शक हमेशा अनुमान लगाते हैं कि आगे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। निर्देश भाषण वाला मर्द की दर्द नहीं होता है फेक और उनके लेखन योगेश चंद्रकांत के अधिकांश भाग के लिए उस पहलू को सही मानते हैं, लेकिन वे समान रूप से आकर्षक कथानक बनाने की उसके निष्कर्ष के चुके जाने हैं। कहानी काफ़ी हद तक एक प्रतिभाशाली रोबोटिक्स विशेषज्ञ जयंतु राजकुमार राव के कार्यों पर केंद्रित है, जिसके अपने संगठन में कार्यों रेट सीरी की चतुराई से बढ़ाया है। कंपनी की CIO का भरोसा और अपनी बेटी के प्यार से उन्हें एक अच्छा पद और मोटी
खतरनाक दिलाई है, लेकिन उनकी सफलता ने उन्हें दुश्मनों और उम्मीदियों की कारोबार संख्या भी दी है। इन सबके बीच उन ऑफिस की सबसे हॉट लड़की मेनिका हुमा कुरैशी के साथ यौन संबंध बनाते हैं, जो अपने कार्यस्थल पर कई पुरुषों के साथ संबंध बनाने के लिए कुख्यात है, लेकिन उसका लालच उस पर हावी हो जाता है और एक शैतानी योजना शुरू कर जाती है जो जल्द ही नियंत्रण से बाहर हो जाती है और लाशों का ढेर लगाना शुरू कर जाता है। गीत पिया तू अब तो आजा से लिया गया है, ये 11 नवंबर 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। कोंडा कारखाने में एक रात की होली के दौरान देव प्रकाश ने अपने दोस्त गौरव को सूचित किया कि उसने सालू से शादी का प्रस्ताव रखा है और उसने स्वीकार कर लिया है। उसके तुरंत बाद कंपनी का रोबोट देव पर हमला करता है और उसे मार डालता है। हमला एक दुर्घटना के रूप में बंद कर दिया गया है और जबकि सुरक्षा अधिकारी परिधि बेग को कंपनी से निकाल दिया गया है। 6 महीने बाद यूनिकॉर्न की 50वीं वर्षगांठ पर जयंत अर्खेड़ेकर को कंपनी के निदेशक मंडल में पदोन्नत किया गया। उन्होंने सीईओ सत्यनारायण अधिकारी की बेटी किनकी अधिकारी से भी सगाई की है। समारोह के बाद उनकी कंपनी की सुचित मोनिका मुचाड़ो के साथ संबंध होगा दिखाया गया है। मोनिका जयंत को बताता है कि वो अपने बच्चों के गर्भवती है और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में जयंतों की उसकी और मोनिका की तस्वीरों के साथ एक पत्र मिलता जिससे उसे एक होटल में जाने के लिए कहा जाता है। होटल में वो न्यूयॉर्क के सीईओ अरविंद मणिवन्नम और सत्यनारायण के बेटे और प्रबंध निदेशक श्रीकांत अधिकारी से मिलते हैं। दोनों का ये भी दावा है कि मोनिका ने उनकी गर्भावस्था के साथ उन्हें ब्लैकमेल किया था। वे तीनों मोनिका की हत्या करने की योजना बनाई है जिसमें श्रीकांत उसकी हत्या कर देता है, अजयंत शरीर को ले जाता है और अरविंद शरीर का निपटन करता है। अरविंद और जयंत की अंतिम समय ही ने योजना से बाहर होने की स्थिति में श्रीकांत ने उनसे एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाया। जब तक अरविंद और जयंत शरीर का जंगल में फंसने की कोशिश करते हुए एक तुरंत का सामना नहीं करते हैं तब तक ये योजना पटरी पर नहीं रहती है और उन्हें भागना पड़ता है। अगले दिन अरविंद और जयंत ये देखकर चौंक जाते हैं कि मोनिका अभी भी जीवित है। वन्यजीव फोटोग्राफी ने जंगल में पड़े शरीर की खोज की जो निशिकांत का निकला। पुलिस ये के एसीपी नायडू मणिकांत फॉलोअर्स ने मौत की जांच शुरू करते हैं, जबकि अरविंद और जयंत दोनों को शक है कि मोनिका ही है जिसने निशिकांत की हत्या की। अरविंद की बाद अपने घर पर एक जहरीले सांप मिला जिससे उसकी मौत हो गई। जयंत की एक समान पार्सल प्राप्त होता है, लेकिन ये वो भागने में सफल हो जाता है और अपने अनुबंध की एक तस्वीर के साथ एक ट्रैक्टर संदेह प्राप्त करता है। जयंत पाठ के निर्देशों का पालन करता है और अनुबंध को प्रमो प्राप्त करने के लिए क्षण पर जाता है, लेकिन गौरव जयंत दोस्त और होने वाला था साला है उसे पीछे से धक्का दे देता है। वो जीवित रहता है और अनुबंध प्राप्त करने का प्रबंध करता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि ये एक फोटोग्राफी है। जयंत मोनिका के घर जाता है जहाँ वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन अंतरात्मा की आवाज के बाद रुक जाता है। मोनिका उसे बताती है कि उसने निशिकांत या अरविंद को नहीं मारा और लगता है कि कातिल कौन है इसका पता लगा लिया है। इससे पहले कि वो जयंत को बता पाती वो सांप के जहर से मर जाती है जिसे उसकी शराब में मिला दिया जाता है। बाद में जयंत को पता चलता है कि देव की मौत की आंतरिक जांच में जयंत की दोषपूर्ण रोबोट तकनीक को दोषी ठहराया गया था, लेकिन सत्यनारायण ने उसे कवर किया है और फरीदी की निकल लिया। जब जयंत माफी मांगने के लिए फरीदी के मिलता है तो फरीदी और जेर लेकर कहते हैं कि देव दुर्घटना से नहीं मारा गया था बल्कि रोबोट की नियंत्रण से मैनुअल ओवरराइड द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। देव को मारने वाले रोबोट के मैनुअल एक्सेस लॉक की जांच करने के लिए जयंत और गौरव एक साथ न्यूयॉर्क फैक्ट्री जाते हैं। जयंत को पता चलता है कि गौरव ने कहीं देव की हत्या करी थी क्योंकि वो जयंत की बहुत सालों से प्यार करता था और गौरव रोबोट से जयंत पर हमला करता है। लड़ाई के दौरान गौरव ने निशिकांत और अरविंद के मारने की बात कबूल की, लेकिन मोनिका की नहीं। निशिकांत ने गौरव द्वारा देव की हत्या के देख और गौरव को अपने सेवक के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन जब निशिकांत ने गौरव से मोनिका की हत्या करने के लिए कहा या वो उसे सालू के सामने उजागर करेगा तो उसने निशि की हत्या कर दी और बाद में जयंत को मारने
सहित घर की साफ सफाई के लिए निकल पाए। कुछ संघर्ष के बाद जयंत अंत में उसके घड़ी के साथ रोबोट के निर्णायित करने में सक्षम हो जाता है और अंतरात्मा के गौरव को मार डालता है। बाद में नायडू ने एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि मोनिका का हत्यारा उनके जन्म अजन्मे बच्चे का पिता तमन्ना राठा है ना है, जिसने मोनिका की हत्या के अवधारणा वेद के कारण आत्महत्या कर ली है। मोनिका के लिए प्रार्थना समारोह के दौरान नायडू ने जयंत को बताया कि मोनिका के बच्चे का वास्तविक पिता सत्यनारायण था। उसने सत्यनारायण को ब्लैकमेल करना शुरू करने के बाद तमन्ना जहर मोनिका की शराब पी ली और फिर से उसे चुप कराने के लिए नायडू ने तमन्ना की हत्या कर दी। जयंत बाद में मूल अनुबंध को पुनः प्राप्त करने के लिए गौरव के घर जाता है, लेकिन जैसे ही वो कागज को खोजता है और उसे जला देता है, वो उन सांपों से घिर जाता है और जिन्हें गौरव ने चुरा लिया था, और स्क्रीन काली हो जाती है जिससे उसका भाग्य अनजान रह जाता है। डालना राजकुमार राव जयंत जय अरगेकर उर्फ जॉनी के रूप में हमा कुरेशी, मोनिका मिचाडो के रूप में राधिका आप्ते, एसीपी विजय शांति नायडू के रूप में निशिकांत, अधिकारी के रूप में सिकंदर खेर, निक्की अधिकारी के रूप में आकांत रंजन कपूर, भगवती रेमलु, अरविंद भनीपन्नम के रूप में सत्यनारायण, अधिकारी के रूप में विजय केनकर, गौरव मौर्य के रूप में सुकांत गोयल, शालू कर्तक के रूप में जैन मोरिज खान, तमन्ना खराना के रूप में शिव रिंगानी, शिव चौहान, देव प्रकाश के रूप में फैजल सहित, फरीदी बैग के रूप में राधिका मदान, स्पूटी के रूप में अतिथि उपस्थिति, सूर्य के रूप में अभिमन्यु दशानी अतिथि उपस्थिति। फिल्म के आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। उन्होंने फिल्म के निर्देशक कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से राजकुमार राव और उमा कुरैशी, दृश्य शैली, हास्य पृष्ठभूमि, स्कोर और हिंदी सिनेमा से पुरानी अपराध फिल्मों के लिए श्रद्धांजलि की प्रशंसा की, लेकिन कुछ आलोचकों ने फिल्म की आलोचना की। अगला हिस्सा इंडिया टुडे की जीनिया उपाध्याय ने फिल्म को 5 में से 4 सितारे दिए और लिखा, फिल्म के प्रेम सुंदर, ये आपको बस रुकने और उन्हें बार बार देखने पर मजबूर कर दे और पृष्ठभूमि संगीत कथा के प्रभाव को बढ़ाता है, इसीलिए फिल्म के समाप्त होने के काफ़ी समय बाद भी ये आपके दिलों में बना रहेगा। फास्ट वर्ड में एम एस बोडीकट ने फिल्म को अभिनय और संगीत की प्रशंसा की, लेकिन अभी समूहवाद के प्रतिनिधित्व की आलोचना करते हुए कहा, यह परेशान करने वाला, हालांकि सोच रखने वाले लोगों ने लापरवाही से इस स्क्रिप्ट में मोनिका मचारो के एक कार्यालय कर्मचारी के रूप में एक कैबरे डांसर में रूप में दोहराए हुए लिखा, और ये भी उस पुराने रूढ़िवादियों से भारत के ईसाई अल्पसंख्यकों को जो नुकसान हुआ है उसे पहचानने के बिना 1980 के दशक की हिंदी फिल्म के ईसाई महिलाओं के चित्रण के पुनर्स्थापन द इंडियन एक्सप्रेस ने फिल्म को एक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और घोषित किया, आराम से बॉलीवुड ठीक चल रहा है, आप सही जगह पर नहीं देख रहे हैं। एनडीटीवी के सुनील चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 4 सितारे दिए और इसे कहा कि एक चुनिंदा मौका कहा है जहाँ चतुराई से गुलदी एक कीमती सिनेमाई महत्व के बदले में देता है, सक्षम में ये एक ना भूलने वाला चमत्कार है। द वीक्स ने प्रतीक्षा मिश्रा ने 5 में से 3 स्टार दिया, लिखा, सक्षम में मोनिका को माई डार्लिंग एक दिलचस्प कहानी है जो एक स्वादिष्ट गुलाटी ब्रह्मांड में एक महान कलाकारों के साथ सेट है, एक सख्त संपादन और एक अधिक कहानी के साथ फिल्म नीचे रखना लगभग असंभव होता है, लेकिन जैसा है ये खड़ा है, ये एक मजेदार घड़ी है। कहानी जब एक युवा आईटी पेशेवर एक अवैध कार्यालय के चक्कर से बाहर निकालने की कोशिश करता है तो चीज़ें बुरी तरह से गलत हो जाती है। क्या वो अपना नाम साफ कर पाएगा और ये इस जानलेवा गंदगी से बेदेगा निकल पाएगा? समीक्षी अप्रत्याशित एक दीर्घतुवाद योग्य थ्रिलर बनाने की महत्वपूर्ण सामग्री में से एक है। दर्शक हमेशा अनुमान लगाते हैं कि आगे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। निर्देश भाषण वाला मर्द की दर्द नहीं होता है फेक और उनके लेखन योगेश चंद्रकांत के अधिकांश भाग के लिए उस पहलू को सही मानते हैं, लेकिन वे समान रूप से आकर्षक कथानक बनाने की उसके निष्पर्ष के चुके जाने हैं। कहानी काफ़ी हद तक एक प्रतिभाशाली रोबोटिक्स विशेषज्ञ जयंतु राजकुमार राव के कार्यों पर केंद्रित है, जिसके अपने संगठन में कार्यरत सीरी की चतुराई से बढ़ाया है। कंपनी की CIO का भरोसा और अपनी बेटी के प्यार से उन्हें एक अच्छा पद और मोटी
खतरनाक दिलाई है, लेकिन उनकी सफलता ने उन्हें दुश्मनों और उम्मीदियों की काबर संख्या भी दी है। इन सबके बीच उन ऑफिस की सबसे हॉट लड़की मेनिका हुमा कुरैशी के साथ यौन संबंध बना था, जो अपने कार्यस्थल पर कई पुरुषों के साथ संबंध बनाने के लिए कुख्यात है, लेकिन उसका लालच उस पर हावी हो जाता है और एक शैतानी योजना शुरू कर जाती है जो जल्द ही नियंत्रण से बाहर हो जाती है और लाशों का ढेर लगाना शुरू कर जाता है। गीत पिया तू अब तो आजा से लिया गया है, ये 11 नवंबर 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। कोंडा कारखाने में एक रात की होली के दौरान देव प्रकाश ने अपने दोस्त गौरव को सूचित किया कि उसने सालू से शादी का प्रस्ताव रखा है और उसने स्वीकार कर लिया है। उसके तुरंत बाद कंपनी का रोबोट देव पर हमला करता है और उसे मार डालता है। हमला एक दुर्घटना के रूप में बंद कर दिया गया है और जबकि सुरक्षा अधिकारी परिधि बेग को कंपनी से निकाल दिया गया है। 6 महीने बाद यूनिकॉर्न की 50वीं वर्षगांठ पर जयंत अर्खेड़कर को कंपनी के निदेशक मंडल में पदोन्नत किया गया। उन्होंने सीईओ सत्यनारायण अधिकारी की बेटी किनकी अधिकारी से भी सगाई की है। समारोह के बाद उनकी कंपनी की सुचित मोनिका मचाड़ो के साथ संबंध होगा दिखाया गया है। मोनिका जयंत को बताता है कि वो अपने बच्चों के गर्भवती है और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में जयंतों की उसकी और मोनिका की तस्वीरों के साथ एक पत्र मिलता है जिससे उसे एक होटल में जाने के लिए कहा जाता है। होटल में वो न्यूयॉर्क के सीईओ अरविंद मणिबन्नम और सत्यनारायण के बेटे और प्रबंध निदेशक श्रीकांत अधिकारी से मिलते हैं। दोनों का ये भी दावा है कि मोनिका ने उनकी गर्भावस्था के साथ उन्हें ब्लैकमेल किया था। वे तीनों मोनिका की हत्या करने की योजना बनाई है जिसमें श्रीकांत उसकी हत्या कर देता है, अजयंत शरीर को ले जाता है और अरविंद शरीर का निपटन करता है। अरविंद और जयंत की अंतिम समय ही में योजना से बाहर होने की स्थिति में श्रीकांत ने उनसे एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाया। जब तक अरविंद और जयंत शरीर का जंगल में फंसने की कोशिश करते हुए एक तुरंत का सामना नहीं करते हैं तब तक ये योजना पटरी पर नहीं रहती है और उन्हें भागना पड़ता है। अगले दिन अरविंद और जयंत ये देखकर चौंक जाते हैं कि मोनिका अभी भी जीवित है। वे वन्यजीव फोटोग्राफी ने जंगल में पड़े शरीर की खोज की जो निशिकांत का निकला। पुलिस ये के एसीपी नायडू यूनिकॉर्न फॉलोअर्स में मौत की जांच शुरू करते हैं, जबकि अरविंद और जयंत दोनों को शक है कि मोनिका ही है जिसने निशिकांत की हत्या की। अरविंद की बाद अपने घर पर एक जहरीले सांप मिला जिससे उसकी मौत हो गई। जयंत की एक समान पार्सल प्राप्त होता है, लेकिन ये वो भागने में सफल हो जाता है और अपने अनुबंध की एक तस्वीर के साथ एक ट्रैक्टर संदेह प्राप्त करता है। जयंत पाठ के निर्देशों का पालन करता है और अनुबंध को प्रमो प्राप्त करने के लिए क्षण पर जाता है, लेकिन गौरव जयंत दोस्त और होने वाला धर्मशाला उसे पीछे से धक्का दे देता है। वो जीवित रहता है और अनुबंध प्राप्त करने का प्रबंध करता है केवल ये पता लगाने के लिए कि ये एक फोटोग्राफी है। जयंत मोनिका के घर जाता है जहाँ वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ के बाद जरूर रुक जाता है। मोनिका उसे बताती है कि उसने निशिकांत या अरविंद को नहीं मारा और लगता है कि कातिल कौन है इसका पता लगा लिया है। इससे पहले कि वो जयंत को बता पाती वो सांप के जहर से मर जाती है जिसे उसकी शराब में मिला दिया जाता है। बाद में जयंत को पता चलता है कि देव की मौत की आंतरिक जांच में जयंत की दोषपूर्ण रोबोट तकनीक को दोषी ठहराया गया था, लेकिन सत्यनारायण ने उसे कवर किया है और फरीदी की निकल लिया। जब जयंत माफ़ी मांगने के लिए फरीदी के मिलता है तो फरीदी और जेर लेकर कहते हैं कि देव दुर्घटना से नहीं मारा गया था बल्कि रोबोट की नियंत्रण से मैनुअल ओवरराइड द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। देव को मारने वाले रोबोट के मैनुअल एक्सेस लॉक की जांच करने के लिए जयंत और गौरव एक साथ न्यूयॉर्क फैक्ट्री जाते हैं। जयंत को पता चलता है कि गौरव ने कहीं देव की हत्या करी थी क्योंकि वो जयंत की बहुत सालों से प्यार करता था और गौरव रोबोट से जयंत पर हमला करता है। लड़ाई के दौरान गौरव ने निशिकांत और अरविंद के मारने की बात कबूल की, लेकिन मोनिका की नहीं। निशिकांत ने गौरव द्वारा देव की हत्या के देख और गौरव को अपने सेवक के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन जब निशिकांत ने गौरव से मोनिका की हत्या करने के लिए कहा या वो उसे सालू के सामने उजागर करेगा तो उसने निशि की हत्या कर दी और बाद में जयंत को मारने सहित घर की साफ सफाई के लिए निकल पा रहे
कुछ संघर्ष के बाद जयंत अंत में उसके घड़ी के साथ रोबोट के निर्णायित करने में सक्षम हो जाता है और अंतरात्मा के गौरव को मार डालता है। बाद में नायडू ने एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि मोनिका का हत्यारा उनके जन्म अजन्मे बच्चे का पिता तमन्ना राठा है ना है, जिसने मोनिका की हत्या के अवधारणा वेद के कारण आत्महत्या कर ली है। मोनिका के लिए प्रार्थना समारोह के दौरान नायडू ने जयंत को बताया कि मोनिका के बच्चे का वास्तविक पिता सत्यनारायण था। उसने सत्यनारायण को ब्लैकमेल करना शुरू करने के बाद तमन्ना जहर मोनिका की शराब पी ली और फिर से उसे चुप कराने के लिए नायडू ने तमन्ना की हत्या कर दी। जयंत बाद में मूल अनुबंध को पुनः प्राप्त करने के लिए गौरव के घर जाता है, लेकिन जैसे ही वो कागज को खोजता है और उसे जला देता है, वो उन सांपों से घिर जाता है और जिन्हें गौरव ने चुरा लिया था, और स्क्रीन काली हो जाती है जिससे उसका भाग्य अनजान रह जाता है। डालना राजकुमार राव जयंत जय हरगकर उर्फ जॉनी के रूप में, हमा कुरेशी मोनिका मचाडो के रूप में, आधिका आपते एसीपी विजय शांति नायडू के रूप में, निशिकांत अधिकारी के रूप में, सिकंदर दुखेर निक्की अधिकारी के रूप में, अखंड रंजन कपूर भगवती रिमलू अरविंद भनीपन्नम के रूप में, सत्यनारायण अधिकारी के रूप में, विजय केनकर गौरव मोड़े के रूप में, सुकांत गोयल शालू कर्तक के रूप में, जैन मोरिज खान तमन्ना खराना के रूप में, शिव रिंगानी शिव चौहान देव प्रकाश के रूप में, फैजल शहीद फरीदी बैग के रूप में, राधिका मदान पुष्पी के रूप में, अतिथि उपस्थिति सूर्य के रूप में, अभिमन्यु दशानी अतिथि उपस्थिति। फिल्म के आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। उन्होंने फिल्म के निर्देशक कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से राजकुमार राव और उमा कुरैशी दृश्य शोली हास्य पृष्ठभूमि स्कोर और हिंदी सिनेमा से पुरानी अपराध फिल्मों के लिए श्रद्धांजलि की प्रशंसा की, लेकिन कुछ आलोचकों ने फिल्म की आलोचना की। अगला हिस्सा इंडिया टुडे की जिनिया तो बंधन ने फिल्म को 5 में से 4 सितारे दिए और लिखा, फिल्म के प्रेम सुंदर, ये आपको बस रुकने और उन्हें बार बार देखने पर मजबूर कर दे और पृष्ठभूमि संगीत कथा के प्रभाव को बढ़ाता है, इसीलिए फिल्म के समाप्त होने के काफ़ी समय बाद भी ये आपके दिलों में बना रहेगा। फास्ट वर्ड में एम एस बोडीकट ने फिल्म को अभिनय और संगीत की प्रशंसा की, लेकिन अभी समूहवाद के प्रतिनिधित्व की आलोचना करते हुए कहा, यह परेशान करने वाला, हालांकि सोच रखने वाले लोगों ने लापरवाही से इस स्क्रिप्ट में मोनिका मचारो के एक कार्यालय कर्मचारी के रूप में एक कैबरे डांसर में रूप में दोहराए हुए लिखा, और ये भी उस पुराने रूढ़िवादियों से भारत के ईसाई अल्पसंख्यकों को जो नुकसान हुआ है उसे पहचानने के बिना 1980 के दशक की हिंदी फिल्म के ईसाई महिलाओं के चित्रण के पुनर्स्थापन द इंडियन एक्सप्रेस ने फिल्म को सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और घोषित किया, आराम से बॉलीवुड ठीक चल रहा है, आप सही जगह पर नहीं देख रहे हैं। एनडीटीवी के सिविल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 4 सितारे दिए और इसे कहा कि एक चोसीदा मौकम कहा है जहाँ चतुराई से गुलदी एक कीमती सिनेमाई मौतों के बदले में देता है, सक्षम में ये एक ना भूलने वाला चमत्कार है। द वीक्स ने प्रतीक्षा मिश्रा ने 5 में से 3 स्टार दिया, लिखा, सक्षम में मोनिका को माई डार्लिंग एक दिलचस्प कहानी है जो एक स्वादिष्ट गुलाटी ब्रह्मास्त्र मान में एक महान कलाकारों के साथ सेट है, एक सख्त संपादन और एक अधिक कहानी के साथ फिल्म नीचे रखना लगभग असंभव होता है, लेकिन जैसा ये खड़ा है ये एक मजेदार घड़ी है। कहानी जब एक युवा आईटी पेशेवर एक अवैध कार्यालय के चक्कर से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो चीज़ें बुरी तरह से गलत हो जाती है, क्या वो अपना नाम साफ कर पाएगा और ये इस जानलेवा गंदगी से भेदेगा निकल पाएगा। समीक्षा अप्रत्याशित एक दीर्घतुवाद योग्य थ्रिलर बनाने की महत्वपूर्ण सामग्री में से एक है, दर्शक हमेशा अनुमान लगाते हैं कि आगे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। निर्देश भाषण वाला मर्द की दर्द नहीं होता है फेक और उनके लेखन योगेशी जन्मकांड के अधिकांश भाग के लिए उस पहलू को सही मानते हैं, लेकिन वे समान रूप से आकर्षक कथानक बनाने की उसके निष्कर्ष के चुके जाने हैं। कहानी काफ़ी हद तक एक प्रतिभाशाली रोबोटिक्स विशेषज्ञ जयंतु राजकुमार राव के कार्यों पर केंद्रित है, जिसके अपने संगठन में कार्यरत सीरी की चतुराई से बढ़ाया है। कंपनी की CIO का भरोसा और अपनी बेटी के प्यार से उन्हें एक अच्छा पद और मोटी
खतरनाक दिलाई है, लेकिन उनकी सफलता ने उन्हें दुश्मनों और उम्मीदियों की कारोबार संख्या भी दी है। इन सबके बीच उन ऑफिस की सबसे हॉट लड़की मेनिका हुमा कुरैशी के साथ यौन संबंध बनाते हैं, जो अपने कार्यस्थल पर कई पुरुषों के साथ संबंध बनाने के लिए कुख्यात है, लेकिन उसका लालच उस पर हावी हो जाता है और एक शैतानी योजना शुरू कर जाती है जो जल्द ही नियंत्रण से बाहर हो जाती है और लाशों का ढेर लगाना शुरू कर जाता है।